कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आप आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो है चैतन्य शिक्षामृता। तो चैतन्य शिक्षामृता में हम आज चैप्टर 13 करेंगे रागनों का। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को ठीक से? ठीक है। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की जय। शिक्षामृत की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। हम ये देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो उपदेश दिया है तो उन्हीं की कंटिन्यूटी में माने जाते। तो भक्ति की दो विधि का वर्णन हुआ, वैदिक भक्ति और रागानुभक्ति। तो वैदिक भक्ति के बारे में भी सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने पूरा डिटेल बताया है ना कि कैसे अगर व्यक्ति का राग उत्पन्न नहीं है भगवान में तो विधि विधानों का पालन करे, है ना। तो कौन सी विधि विधानों का पालन करिए? अपने मन से नहीं, तो भक्ति के 64 अंगों के बारे में बताया और डिटेल में भी वर्णन किया। या तो इनमें से किसी एक का वर्ण करे या बाकी का भी पालन कर सकता है। तो 64 में जो 5 थे वो मुख्य थे, उनमें से भी जो नाम संकीर्तन था वो प्रमुख था। तो इस तरह से हमने देखा कि वैदिक भक्ति की बात होती है। अब दूसरी जो भक्ति की बात होती है वो है रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति को समझने के लिए पहले रागात्मिका भक्ति को समझना बहुत जरूरी है ना। तो जब हम रागात्मिका भक्ति को समझेंगे तब हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले भक्तों को रागानुगा कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पढ़ सकता है कोई? रागानुगा भक्ति केवल ब्रह्मवश ही कुछ आध्यात्मिक ऐसा मानते हैं कि भक्ति के स्तर तक उन्नति के लिए ज्ञान वैराग्य आवश्यक है। यह सत्य नहीं। देहात्म बुद्धि से विपरीत आवाज थोड़ी आवाज आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा सा और अच्छे से बोलो। यह सत्य नहीं है। देहात्म बुद्धि से विपरीत अपना दिव्य स्वरूप समझने के लिए ज्ञान तथा सकाम कर्म से वैराग्य की आवश्यकता हो सकती है, किंतु भक्ति के अभिन्न अंग ये कदापि नहीं है। अभी आ रही है माता जी आवाज? नहीं, आवाज बहुत धीमे आ रही है। मैंने तो वॉल्यूम फुल रखा है माता जी। ईयर प्लग बाहर निकाली माता जी, इधर भी क्लियर आ रही है आवाज, पता नहीं, नहीं कुछ। क्लियर है, वॉल्यूम कम। मैंने फास्ट किया माता जी, अभी अभी वापस ठीक है। पढ़ू? यस यस, नहीं नहीं ठीक है, इतना पढ़ लिया, आगे पढ़ो। ज्ञान और सकाम कर्म फल से मुक्ति ज्ञान और सकाम कर्म से फल क्रमश मुक्ति तथा इंद्रिय तृप्ति है। अतः वे भक्ति के अंग कभी हो सकते हैं। भक्ति में उनका अपना कोई मूल्य नहीं है। भक्ति की प्राप्ति ज्ञान और सकाम कर्म के बंधन से मुक्त होने पर ही होती है। कृष्ण भक्त स्वभावत अहिंसा सम दम आदि मन इंद्रियों से संपन्न होता है। इस कारण ज्ञान तथा सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले गुणों के लिए उसे कुछ विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण से वैदिक विधि विधान के संबंध में उद्धव ने जिज्ञासा की,
प्रभो क्या कारण है कि एक और वैदिक मंत्र विषय भोग के विषय ही प्रोत्साहित करते हैं और वही दूसरी और वैदिक शिक्षा मनुष्य को माया मुक्त करने करके मुक्ति की और प्रेरित भी करती है और वैदिक नियम स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्देशित है किंतु बहिरंगी दृष्टि से उन पर परस्पर विरोध प्रतीत होता है। श्री उद्धव इन परस्पर असंगतियों की निवृत्ति करना चाहते हैं। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे भक्ति की परमो उत्कृष्टता का उल्लेख किया है। मेरी भक्ति में और मन से मेरे अनन्य चिंतन में संलग्न जीवन जीव के लिए ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति का प्रयत्न न तो संभव है और न ही आवश्यक ही है। स्वयं हाँ भगवान का हरे कृष्ण। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले एक बताया जा रहा है कि भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि भगवान के प्रति राग है, प्रेम है ना। तो भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की उतनी जरूरत नहीं है ना। लेकिन बहुत से लोगों को आध्यात्मवादी जो होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, उनको भ्रम होता है या परंपरा से ज्ञान नहीं होता, तो वो लोग भ्रमवश ज्ञान और वैराग्य को भगवान भक्ति का अंग, जबकि भक्ति भगवान जैसे स्वतंत्र है वैसे भक्ति भी स्वतंत्र है। भक्ति किसी पर आश्रित नहीं है ना। तो सकाम कर्म से वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती, या ज्ञान, या ज्ञान जो शाही रंग हाँ ज्ञान तथा सकाम कर से वैराग्य की आवश्यकता हो सकती, किंतु भक्ति से अभिनय कदापि नहीं। समझ में आ रहा है, इनकी आवश्यकता नहीं होती है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि ज्ञान और वैराग्य रहते नहीं है भक्ति में। समझ में आ रहा है, जैसे ज्ञान मार्ग में ज्ञान होगा तब जाके उसके भक्ति के लिए आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन भक्ति में ज्ञान नहीं होने पर भी भक्ति करने पर स्वतः ज्ञान आ जाता है। समझ में, यानी ज्ञान होगा तब जीव भक्ति करेगा ऐसा नहीं। जीव जब भक्ति करता है तो स्वतः ही उसको ज्ञान और वैराग्य भौतिक जगत से होने लगता है, अपने आप होता है, वो तो करने की जरूरत नहीं पड़ती अलग से। तो चैतन्य महाप्रभु जो सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं किंतु भक्ति के अभिन्न अंग ये कदापि नहीं। समझ में आ गई ये बात। भगवान यदि स्वतंत्र हैं तो भक्ति भी स्वतंत्र है। भक्ति करने वाले व्यक्ति को किसी भी चीज पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। जब भी उसकी श्रद्धा है भगवान से भक्ति करता है वो, तो उसके अंदर ज्ञान हो, वैराग्य हो, बाकी जो चीजें हैं अपने आप आ जाती है, उसको अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अन्य मार्गों में क्या है, अगर वो व्यक्ति लगा हुआ, मान लीजिए ज्ञानी है, तो उसको भक्ति प्राप्त होगी नहीं। जब वो भक्ति करेगा तब उस भक्तों का संग करेगा तब उसको भक्ति मिलेगी, है ना। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सकाम कर्मी है ना, धीरे धीरे तक उसको निष्काम कर्म हो गया है, तो भक्तों का संग हुआ, तो धीरे धीरे उसको जब भक्ति एक्सेप्ट करेगा तब जाके वो भक्ति प्राप्त करेगा। लेकिन भक्ति के साथ ऐसा नहीं है, ये समझ लीजिए। तो जनरली लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो ज्ञानी होना बहुत जरूरी है, या वैराग्य हो जाएगा तब हम भक्ति करेंगे, यही कहते हैं ना लोग। बच्चे पढ़ लें, बच्चों की शादी हो जाए, सब फिक्स हो जाए, तब हम भक्ति करेंगे, है ना। यस नहीं, मैम, आप भक्ति कीजिए, अपने आप ही आपके अंदर क्या है, वैराग्य हो जाएगा, ज्ञान अपने आप ही आ जाएगा। जैसे आप लोग अभी भक्ति कर रहे हैं ना, तो ज्ञान लेने के लिए कोई अलग सिस्टम ज्वाइन करना पड़ता है क्या? और भौतिक जगत के लिए, वैराग्य के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है ना। नहीं, हम भक्ति करते हैं तो रस वर्जम होता है, तो रस जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारा इस जगत से वैराग्य होने लगता है, क्योंकि हमको परम दृष्टवा हो जाता है, उत्तम रस प्राप्त। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमने श्लोका नंबर
149 से करना है। तो उसमें बताते हैं कि अभी आपने वैदिक भक्ति के बारे में सनातन गोस्वामी सुना, अब मैं आपको स्वतः पूरित रागानुगा भक्ति के लक्षणों के बारे में बताऊं। रागात्मिका भक्ति मुख ब्रजे वासी जन तार अनुगत भग रागानुग नाम। मैं इसीलिए मैंने कहा रागानुगा भक्ति को समझने के लिए रागात्मिका भक्ति का पहले वर्णन किया। क्लियर हो रहा है? जब हम रागात्मिका भक्ति समझते हैं तो हम रागानुगा भक्ति को समझते हैं। आगे चलिए। तो वृंदावन के जो मूल निवासी हैं, इनका जो भगवान में तीव्र अनुराग है, राग है ना, वो ही रागात्मिका भक्ति होती है। राग आत्मिका, भगवान में विशेष रूप से तीव्र अनुराग ही रागात्मिका भक्ति कहलाती है। ये रागात्मिका भक्ति वृंदावन के निवासियों में होती है ना। तो जब कोई किसी वृंदावन वासी के चरण कमलों के अनुकरण करता है, अनुसरण करता है सॉरी, तो उसके अंदर भी रागानुगा भक्ति स्वतः उत्पन्न हो जाती है। क्लियर हो रहा है? रागानुगा की भक्ति की डेफिनेशन, जो रागात्मिका भक्त हैं उनमें जो भगवान के प्रति राग रहता है, तो जब जीव उनके शरणागति को स्वीकार करके उनके कहे अनुसार अनुसरण करने लगता है, तो उसके हृदय में जो भगवान का सुप्त प्रेम है वो जागृत हो जाता है, स्वतः राग उत्पन्न हो जाता है, उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। क्लियर हुआ? तो यस माता जी, जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब शुद्ध भक्त वृंदावन के भक्त के भक्त चरणों का अनुगमन करते हैं तो रागानुगा भक्ति उत्पन्न होती है। तो देयर टू वर्ड्स, रागानुगा एंड रागात्मिका। तो इफ वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट रागानुगा भक्ति, तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट रागात्मिका भक्ति। क्योंकि जो राग आत्मिका का अनुग करे, अनुगमन करे, उसी को रागानुगा। तो शब्द से ही समझ जाए। क्लियर हो रहा है? राग आत्मिका, जिसका भगवान में तीव्र रूप से विशेष अनुराग है, उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। इन शुद्ध भक्तों के अंडर में रह के, शरण में रह के जब हम अनुकरण करते हैं भक्ति का, तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, स्वतः यानी ऑटोमेटिक भगवान के प्रति राग उत्पन्न होता है, इसी को रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो भक्ति रसा में सिंधु में भी इसको एक्सप्लेन किया गया है। इष्टे स्वर का स्वरसिक रागा परमाविष्ट भवे तन्मय या भवेत भक्ति सात राग आत्मिका होता। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अनुरक्त हो जाता है, तब उसी प्रेम की सहज प्रवृत्ति भगवान के चिंतन के में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाती है। यह दिव्य अनुराग कहलाता है और इस अनुराग के अनुसार ही की गई भक्ति रागात्मा का भक्ति अर्थात स्वतः स्फुरित भक्ति सेवा कहलाती है। वही बात बता रहे हैं, जो अनुराग तीव्र, दो लक्षण होते हैं रागात्मक, तीव्र विशेष राग होता है भगवान, है ना, और ये सहज होता है ना। ऐसा नहीं कि उसको याद करना पड़ता है, सोलह माला करेगा तब भगवान का स्मरण होगा, ऐसा नहीं होता। तीव्र अनुराग होता है, सहज भगवान का चिंतन में 24 घंटे, ये दिव्य अनुराग ही रागात्मिका भक्ति होती है। इष्टे गाढ़ तृष्णा रागे रसरूप लक्षण इष्टे आविष्टा या कष्ट लक्षण। अब देखिए जो श्लोक था 150, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जिसमें जैसे बताया था इष्टे स्वरा इष्टे स्वरसिकी राग परम आविष्ट। पहला शब्द क्या है? परम आविष्ट। परम आविष्ट मतलब विशेष रूप से आविष्ट। एक साधारण प्रेम होता है, एक होता है विशेष रूप से, जैसे माँ का अपने बच्चे के प्रति, है ना, पति का अपने पत्नी के प्रति, प्रेमिका का अपने प्रेमी के प्रति विशेष अनुराग होता है ना, उसमें कोई कारण नहीं होता, बस वो अनुराग होता है और बहुत तीव्र अनुराग होता है ना। वही बात कह रहे हैं। तो इसमें जो है रागात्मिका प्रेम में जो मूल लक्षण है
वो है भगवान के प्रति प्रगाढ़ अनुराग। इसमें शब्द आया है गाढ़ तृष्णा, स्वरासक्ति राग, परमा आविष्ट भगवान, ये स्वरूप लक्षण। रागात्मक भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? गाढ़ तृष्णा, ये स्वरूप लक्षण। और तटस्थ लक्षण क्या है? आविष्ट, परम आविष्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। श्लोका में जो स्वरूप लक्षण है वो है गाढ़ तृष्णा, इष्टे स्वरा सखी राग। जो राग है कैसा राग होता है? स्वरसिकी, है ना, अपने मूल प्रेम भाव के अनुरूप राग होता है। तो जैसे मूल प्रेम भाव कहता है कोई भगवान को साक्ष्य रूप में, कोई वात्सल्य रूप में, है ना, कोई माधुर्य रूप में, कोई पति के रूप में, कोई प्रेमी के रूप में भगवान को प्रेम करता है। तो जो रागात्मिक भक्ति होती है बहुत तीव्र होती है, तो ये स्वरूप लक्षण होता है। और तटस्थ लक्षण जो होता है वो आविष्ट, यानी बहुत आवेश होता है भगवान में, ये जो तटस्थ लक्षण। क्लियर हो गया। तो गाढ़ तृष्णा ये स्वरूप लक्षण, और आविष्ट होना ये तटस्थ लक्षण। नहीं तो आप जिस शिल प्रभुपाद को देखे, कल शिल प्रभुपाद का 128 है ना प्राकट्य दिवस मनाया गया। कौन सा व्यक्ति 60 साल में बिना किसी सहायता के अमेरिका जाके शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के बारे में सोचो? जब तक किसी का तीव्र अनुराग नहीं होगा, है ना, भगवान के प्रति, वो ऐसा कौन करेगा? करेगा कोई? सो इट इज, माता हाँ, तो जो गाढ़ तृष्णा है ये होती है रागात्मक भक्ति का स्वरूप लक्षण। और तटस्थ लक्षण क्या होती है? बार बार याद रखिएगा, आविष्ट, है ना, आविष्ट का ये तटस्थ लक्षण है, आवेश होना। तो रागात्मक भक्ति का मूल लक्षण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रगाढ़ अनुराग है, और भगवान में तनलीन रहना 24 घंटे, ये तटस्थ लक्षण। रागमयी भक्ति है रागातिकमा नाम, ताहा शोनी लुप्त होए कौन भाग्यवान। इस तरह जो भक्ति, नरसिंह सती माता जी को कॉल कर लीजिए, इस तरह जो भक्ति राग से युक्त यहाँ होती पर है उठाया नहीं उन्होंने। रागात्मिका कहलाती है। यदि कोई भक्त ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है तो वो परम भाग्यशाली माना जाता है। तो इस तरह जो रागात्मिका भक्ति होती है ना, इस स्थिति को बहुत भाग्यशाली जीव प्राप्त करते हैं। सब लोग नहीं प्राप्त कर सकते रागात्मिका। तो लोभे ब्रजे वासिर भावे करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नाही माने रागानुग प्रकृति। अब उसके बारे में देखिए, और लक्षण बता रहे थे ना चैतन्य महाप्रभु की सनातन गोस्वामी, मैं और लक्षण बता रहा हूँ। तो बता रहे कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी दिव्य चेतना के वशीभूत होकर वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है, अनुकरण नहीं, अनुसरण करता है, तो वो शास्त्रों के आदेशों या तर्कों की प्रवाह नहीं करता, यही राग का मार्ग है। अब जब वैदी भक्ति में क्या होता है, शास्त्र में ऐसा लिखा है इसलिए हमको करना है। यहाँ पे देखिए बताया गया था ना कि सकाम कर्म के बंधन से भक्ति जो होती है मुक्त होती है। भगवान कृष्ण वैदी विधि विधान से संबंध उद्धव भी जिज्ञासा करते हैं कि प्रभु क्या कारण है कि वैदी मंत्र विषय भोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वही दूसरी ओर वैदिक शिक्षा मनुष्य को माया मुक्त करके मुक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। तो उद्धव जो है उनको उनको भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी, और जनरली भक्ति करने के बाद, भक्ति शास्त्री करने के बाद भी ये बात क्लियर नहीं होती। लोग रागानुगा को रागात्मिका मानते हैं और रागात्मिका को रागानुगा मानते हैं, क्लियर ही नहीं होती डेफिनेशन, है ना। तो वैदिक भक्ति में क्या होता है, आपने पढ़ा था कि शास्त्र का अनुशासन होता है ना, हमें दिया है वचन करना है, गुरु को कहा है, इसलिए वो रोज सोलह माला करता है।
लेकिन रागात्मिका भक्त क्या होगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं होगी, 24 आवर्स उसके हरे कृष्ण महामंत्र का वो चैंटिंग करता है। और रागानुग भक्त क्या होता है, जब वो ऐसे रागात्मिका भक्त का अनुसरण करता है तो उसको रागानुग भक्त कहते हैं। वो 24 आवर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन उनको देखकर उनके अंदर भगवान के प्रति माला का नियम नहीं होगा, अब उनको स्वतः इच्छा होगी कि हम माला करें। क्लियर हो रहा है ना, डेफिनेशन क्लियर हो रही है अभी? तो भक्ति सिद्धांत से सिखाते हैं कि भक्त वृंदावन वासी जैसे नंद महाराज, यशोदा, राधा रानी, है ना, ये उन्नत भक्त होते हैं। ये आकर्षण का भगवान में बहुत तीव्र होता है, स्वतः होता है ना। देखो यशोदा मैया का कितना तीव्र आकर्षण, तो इसको स्वरूप लब्धि कहते हैं। यह अवस्था प्रारंभ में प्राप्त नहीं होती, प्रारंभ में शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। तब उसके बाद दृढ़ता पूर्वक जब हम सेवा करते हैं, तब क्या होते हैं, वैधि भक्ति की विधि से निरंतर सेवा करते रहने से धीरे धीरे आकर्षण जागृत होता है, और ये रागानुगा भक्ति कहलाती है। यही हमारी मार्ग है। हम लोग से पूछा जाता है कि हम लोग तो क्या वैधि भक्ति का पालन करते हैं, गौड़िया वैष्णव? नहीं, हम लोग वैधि भक्ति का पालन नहीं करते हैं, हमें रागात्मिका भक्ति हमारा लक्ष्य है। लेकिन हम शुरू में जब आते हैं तो क्योंकि इतने ज्यादा हमारे अंदर मलिनता होती है, अनर्थ होते हैं, कि हमें भगवान से अनुराग नहीं होता है ना। तो पहले हम शास्त्र के विधि विधान अनुसार पालन करते हैं, और फिर हम रागात्मिका भक्त के अंडर में रागानुगा भक्ति करते हैं। वैधि भक्ति को पालन नहीं करते हैं, वैधि भक्ति का पालन करने वाले नीति नियम से चलते हैं। ऐसा नियम है, ऐसा ही करना है। उसे भगवान में राग उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब नहीं, विधि है ना, किसी ने चलना। लेकिन भक्त क्या होते हैं, भक्त विधि विधान नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कृष्ण संतुष्ट कैसे हों, है ना। तो आप लोगों ने वो कथा सुनी होगी ना, कि जब कृष्ण के जो है दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ तो क्या उनका उपाय बताया गया, कि भाई जो इनको अगर भक्तों की चरण धूलि मिल जाएगी तो भगवान उसको बाम की तरह अपने सर पे लगाएंगे, चरण धूलि बाम, वैष्णव चरण धूलि बाम लगाएंगे, तभी उनके सर का दर्द ठीक होगा। तो नारद ने लिखा कि ठीक है, मैं ले आता हूँ। नारद मुनि सब जगह गए, सभी भक्त कहे अरे हमें तो पाप लग जाएगा, अरे कैसे हम भगवान को अपनी चरण धूलि दे देंगे, है ना। इवन द्वारिका की रानी कहती है मेरे उस मेरे स्वामी है, मैं अपनी चरण धूलि दूंगी उनको, शास्त्र में ऐसे ही लिखा है ना और भक्त सोचते हैं अरे हम अपने चरणों की धूल भगवान को कैसे देंगे। लेकिन गोपियों के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, कृष्ण को सर में दर्द हो रहा है, उनको बस इतना सुनाई दिया कि हमें पता है कि हम अपनी चरण धूलि देंगे, हम नरक में जाएंगे, कोई बात नहीं, हम लोग नरक चले जाएंगे, लेकिन कृष्ण का सर दर्द जरूर होना चाहिए। ये ले लो, 2 किलो ले लो, 4 किलो ले लो, हम पैर धूल जितने चाहिए वो ले जाओ, और कृष्ण को सर पे लगा दो, कृष्ण कृष्ण का सर दर्द ठीक होना चाहिए। अंतर हुआ ना, यही अंतर, ठीक है ना। तो हम लोग रागानुगा भक्ति जो कि रागात्म का उन्मुख है वो भक्ति करते हैं, लेकिन हम वैधि भक्ति से प्रारंभ करते हैं ताकि हमारे अंदर दृढ़ता आए। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर परपोट लिखे हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं ताकि इसको हम समझ सकें। ये श्लोका मैं पढ़ रही हूँ, 153 अध्याय, भक्ति की विधि। रागानुगा पद में स्थित भक्त पहले से ही शास्त्रीय आदेश तथा तर्क में दक्ष होता है, यानी उसने अपनी भक्ति जब शुरू की तो शास्त्र के अनुसार उसने विधि विधान का सीखा। देखो हमको क्या लगता है, भौतिक जगत में हम लोगों को क्या लगता है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हम अपने आप से कुछ भी कर सकते हैं, रागानुगा। लेकिन अगर आप गोपियों को देखिए, वो भगवान शास्त्रों को नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा शास्त्र के उल्लंघन भी नहीं करके कोई भक्ति करते हैं, समझ रहे हैं, वो ऑटोमेटिक विधि विधान का पालन करते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है?
जनरली लोग क्या कहते हैं, अरे अब हम तो भगवान में अनुराग हो गया, अब हम तो बड़े 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 भक्त बन गए हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, जो बड़े भक्त बनते हैं वो कभी भी नहीं सोचते कि उनकी भक्ति बहुत अच्छी हो, है ना। वो अपने आप को सदैव कनिष्ठ अधिकारी के लेवल पर रखते हैं। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है सबका? तो वीडियो बंद है, इतना सुंदर विषय है। अब मेरी भी इच्छा नहीं हो रही कि हम ज्यादा डिटेल करें। अतः भक्त को भगवान के साथ अपने सनातन संबंध की अनुभूति की जाती है, इसलिए अन्यों के तर्कों को नहीं मानना, ऐसे उन्नत भक्त की इन सहेजियों में कुछ लेना देना नहीं। मनुष्य 6 गोस्वामियों का अनुगमन किए बिना कृष्ण के प्रामाणिक अनुराग भक्त नहीं बन सकता। समझ में आ रही बात, कितना सुंदर प्रभुपाद कह रहे हैं। जनरली लोग जब बड़े हो जाते हैं तो अपना मनमानी करते हैं, वो सोचते हैं कि जैसे प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद जब बड़े हो गए तो जो चाहे वो करते। प्रभुपाद जो चाहे वो नहीं करते थे, प्रभुपाद वो करते थे जिससे कि उनके गुरु और भगवान प्रसन्न, है ना। कोई भी ऐसा निकारे नहीं करते थे प्रभुपाद, जो व्यर्थ के जो सिद्धांत हैं और उनसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, तो उन सिद्धांतों को ठीक कर रहे थे ताकि वो लक्ष्य उन्मुख हो जाए, है ना। कोई भी कार्य करते हैं तो उसका पर्पस होता है, किसी भी चीज का पर्पस होता है, तो वो पर्पस जो है वो मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है, वो पर्पस जो है अचीव होना चाहिए। अगर वो पर्पस अचीव नहीं हो रहा है तो कोई फायदा, ये बात समझने की कोशिश है। तो जब लंबे समय तक किसी भी धर्म का पालन होता है तो उसमें ग्लानि आ जाती है। क्या होता है, लोग पर्पस भूल जाते हैं और फिर विधि विधानों को बहुत अच्छे से करते हैं। तो जो भगवान है वो समय समय पर प्रतिनिधियों को भेजते हैं, स्वयं आते रहते हैं और इसी ग्लानिर को दूर करते हैं, वो पर्पस स्टेब्लिश करते हैं, है ना। तो यानी विधि विधान इसलिए पालन करना है कि हमें भगवान की भक्ति मिले। अब मान लीजिए एकदम नियम चल रहा है और कोई व्यक्ति बिल्कुल थक गया है ना, और उसको कि नहीं, तुम्हें तो रोज ही 4 बजे उठना है और माला करनी है। उसको पता है कि लगातार करने से मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो एक दिन वो रेस्ट करके देर से माला करके दूसरे दिन वो पुनर् वापस आ सकता है। तो इसको इसको क्या कहेंगे, इसको फॉल डाउन नहीं कहते हैं, इसको दिमाग वाला काम कहते हैं। लेकिन अगर जो विधि विधान का पालन करें, कोई नहीं, यू हैव टू रेगुलर पर्टिकुलर, उससे राग मिल रहा है कि नहीं, भगवान में अनुराग हो रहा है कि नहीं, केवल विधि विधान का पालन हो रहा है। मैं शाकाहारी हूं, मैंने जन्माष्टमी निर्जला रखी मैंने 24 आवर सेवा की 2 दिन, है ना। मैं चतुर्मास जो है मैं अन्न नहीं खाता हूं। तो ये सब बातें ठीक है, लेकिन क्या इसको पालन करने से आपका अहंकार बढ़ रहा है कि भगवान में अनुराग बढ़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि भक्ति में जो होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो वो उसको गुप्त रखता है, रखता है ना, हर किसी को नहीं बताता फिरता, काम को हर जगह बताया जाता है ना। जब प्रेम नहीं काम होता है, अहंकार प्रदर्शन करना होता है तो जरूर बोलना पड़ता है। जन्माष्टमी मैंने ना निर्जला पूरा किया था और साथ में सेवा भी की थी, जरूर इनपुट दिया जाएगा। चतुर्मास में ना हम लोग एक ही टाइम खाते हैं, नहीं खाते हैं, है ना। प्रभुपाद की अगर कोई बात हो रही होगी, प्रभुपाद का लीलामृत गान किया जा रहा होगा, झर 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 आंसू पूरे पूरे भरे होंगे हम, है ना। लेकिन आप लोगों ने उनको देखा है, गुरु महाराज को रोते हुए कि बैठ के प्रवचन और रो रहे? नहीं, उनका कितना अनुराग रहता है ना, उनका इतना अनुराग रहता है कि हम सबसे ज्यादा अनुराग रहता है, लेकिन हम लोग बहुत रोते हैं। और ये बहुत प्रभुपाद की जय, सबसे ऊंची आवाज हमारी ही होती है लेकिन वो एक्शन में भगवान से प्रेम कर रहे होते हैं। क्लियर हो रही है डेफिनेशन? क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि अगर किसी को कृष्ण में अनुराग है तो
जब तक वो चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझेगा, षट गोस्वामियों तक नहीं समझेगा, तब तक वो भगवान राधा कृष्ण के प्रेम, युगल प्रेम को नहीं समझ सकता। अब समाज में आज कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही है ना, ये हो रहा है, हलचल है, युद्ध है, ये है, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई, झगड़े, रेप, ये सब चल रहा है ना, पूरे समाज में ये चल रहा है ना। अब इन वातावरण में, इस वातावरण की उत्पत्ति में क्या कारण है, तो वो रीजन बताते हैं, ये है, ऐसा है, ये मंत्री नहीं है तो ये नहीं है, तो ये ऐसा हो गया इसलिए ऐसा हुआ है ना, या थोड़ा बहुत जो लगते हैं, लोग कहते हैं हाँ भाई आप भक्ति नहीं कर रहे हैं इसलिए। हम कहीं पर भी किसी को भी नहीं सुनते हैं कि कोई षड गोस्वामी के बारे में बोले, हिस्ट्री में बताया जाता, हाँ हिस्ट्री में छेड़छाड़ की गई, हमारी हिस्ट्री ये थी, हमको ये बताया गया, ज्योग्राफी ये थी, ये बताया गया, सब कुछ हम समझ रहे हैं, अस्त व्यस्त चल रहा है, कैसे कैसे शोषण हो रहा है, सब चल रहा है, लेकिन फिर भी किसी को ये नहीं पता कि षट गोस्वामियों ने वापस एस्टेब्लिश किया या चैतन्य महाप्रभु आए, किसी को पता है? इतना राम मंदिर बना है लेकिन किसी ने षड गोस्वामी के बारे में सुना? उस मंदिर को एस्टेब्लिश करने के इतिहास में कहीं षड गोस्वामी है? आप समझ रहे हैं कितनी अज्ञानता है, इसे क्या पता चल रहा है कितनी अज्ञानता है। यहाँ पे क्लियरली चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है वो कह रहे हैं, अगर आप षड गोस्वामी के रूप सनातन भट्ट रघुनाथ के युगल प्रीति को, सॉरी, उनका अनुगमन नहीं करते, उनकी शरणागत नहीं लेते, आप राधा कृष्ण की युगल प्रीति को कभी समझ ही नहीं पाए ठीक है ना। तो जैसे लोग इतने परेशान रहते हैं, आ ये है वो है, कैसे करें क्या करें, फिर से हिस्ट्री लिख रहे हैं, ज्योग्राफी लिख रहे हैं, ये कानून बना रहे, वो कानून बना रहे, इनसे कुछ नहीं होने वाला। हमारे आचार्यों ने प्रॉब्लम जानते हुए सोल्यूशन रास्ता दे के रखा है, लक्ष्य दे के रखा है, हमें सिर्फ उनको पालन करना है, हमें कुछ भी नया बनाने की जरूरत नहीं, अपनी शक्ति वहां लगाने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद का जो इस्कॉन टेम्पल है, अगर उसमें सारे जो प्रभुपाद के जो सिस्टम बनाया, अगर हम उसको फॉलो करें तो दुनिया का हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, हमें कोई इतिहास रचने की जरूरत नहीं है, हमारे पास श्रीमद् भागवतम है, उनको पढ़ने से हमें पूरा इतिहास मिल जाएगा, है ना, क्लियर हो रहा है ना, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमारे आचार्य को पता है कि कलयुग आएगा, फिर क्या होगा, क्या है, क्या बीमारी होगी, कैसे उसका सोल्यूशन, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम स्वतंत्र होकर, भगवान से स्वतंत्र होकर अपने हिसाब से ठीक करने की कोशिश करें, तो बल्कि और ज्यादा हर चीज पोल्यूटेड करते जा रहे और ज्यादा, तो ईश्वर विहीन होने पर, इसीलिए शिल्प्रपाद ने क्या किया, शिल्प्रपाद ने आचार्यों के हिसाब से परम सत्य को एस्टेब्लिश किया। परम सत्य कौन है, वो कैसे हैं और उनका लक्षण क्या है। जब हम तथ्यों से या किसी भी विषय से परम सत्य को निकाल देते हैं, वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, किसी भी एरिया से, बिजनेस में, कहीं पर भी आप, अगर परम सत्य की डेफिनेशन आपके पास नहीं है, उसका पर्सपेक्टिव नहीं है, आप सत्य हैं, अहिंसा हैं, दयालु हैं, हम्बल हैं, इसका कोई महत्व नहीं, आप स्वतंत्र हैं, परतंत्र हैं, भगवान के अनुसार जीव सदैव जो है वो अधीन रहता है, स्वतंत्र हो ही नहीं सकता, या तो वो माया के अधीन रहेगा या तो भगवान, लेकिन हम स्वतंत्रता रखते हैं, हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र होंगे। तो बताया जाता है कि जीव जब भगवान की शरणागति ग्रहण करता है तो जीव स्वतंत्र हो सकता है, क्योंकि भगवान उस व्यक्ति को स्वतंत्रता देते हैं, है ना, भगवान उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन माया के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन माया में लोग क्या सोचते हैं, जो भक्ति करते हैं ये बड़े नीति नियम पालन करते हैं, हम लोग उसने, हम लोग की लाइफ देखिए कितनी फ्री है, आपकी लाइफ फ्री नहीं है, आप माया के अंडर में हैं, प्रकृति के तीन गुण और आराम से आपके ऊपर पूरी तरह, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि क्या चीज, आप पलक झपकाना तक अपने हिसाब से नहीं कर सकते, ये सब चीजें हमें समझनी होगी,
इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बताती चल रही हूँ कि इसका मतलब क्या है, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो भक्ति भग से केवल स्वतंत्र है क्योंकि वो भगवान की है। भक्ति के लिए ज्ञानी होना, भक्ति के लिए वैरागी होना जरूरी नहीं है ना। नहीं, हम जब ना नौकरी कर लेंगे ना, जब हमारी शादी हो जाएगी ना तब करें, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तब हम भक्ति करेंगे, नहीं। भक्ति किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती है ना। भक्ति के लिए केवल भगवान की भक्ति करने से स्वतः ज्ञान और वैराग्य भगवान हृदय में डाल देते हैं। भगवद गीता में कहा है ना, तेषां ते अहम् अनुकंपा, है ना, अज्ञान दंचवान। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को गुरु भी मिल गया है, शास्त्र भी पढ़ रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान उसको ये अंदर से ज्ञान देते हैं। जैसे ब्रह्मा को तेन हृदय आदि कव्ये, ब्रह्मा को ज्ञान दिया ना भगवान। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में भी और अच्छे से दिया गया है। तो इसको एक्सप्लेन किया कि जब कोई स्वरूप सिद्ध उन्नत भक्त वृंदावन के भक्तों के कार्यों में, जैसे शांत है, दास है, साक्ष्य है, वात्सल है, माधुर्य के विषय में सुनता है, तो वो एक और उन्मुख हो जाता है और उसकी बुद्धि उस पर आकृष्ट हो जाती है और वो विशेष भक्ति की ओर लुप्त हो जाता है। और ये लोभ जो है ये शास्त्र के अनुसार आदेश आश्रित नहीं है। रागानुगा भक्ति में व्यक्ति जो होता है किसी रस विशेष की तरफ तीव्र अनुराग रखता है, उसमें आवेश रहता है। रागात्मिका भक्ति में ऐसा होता है ना, इसे साखी रस होगा, वात्सल्य रस होगा, किसी विशेष रस में होता है व्यक्ति। अब उसी तरह जब हम भक्ति करते हैं और हम भी किसी विशेष रस में रहते हैं, तो हम उनका जब रागात्मिका भक्तों का अनुगमन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें वात्सल्य रस चाहिए, तो अगर हम यशोदा मैया का, नंद बाबा को फॉलो करते हैं, तो हमको नंद बाबा को फॉलो करना हो। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो प्रेम होता है उसमें क्या होता है, हम लोग राधा रानी की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं, है ना। और राधा रानी में भी स्पेशली ललिता सखी, और ललिता सखी के अंडर में कौन रहते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मंजरी भाव। तो यानी अगर हम अपनी भक्ति का आश्रय तत्व रूप गोस्वामी रखते हैं, तो हम सही जगह पहुंचेंगे ना। हाँ, तब गोलोक वृंदावन ही जाने वाले। इस तरह से हम, हमारे आचार्यों ने जो मार्ग दिया है वो पूर्ण मार्ग है, हमें ज्यादा नहीं करें। तो रागानुगा भक्ति को समझने के लिए रागात्मिका भक्ति समझना चाहिए। रागात्मिका के जो अनुज रहकर उनका अनुसरण करके जब भक्ति करते हैं, तो उनको रागानुगा भक्ति कहते हैं। खेल समझ में आ गया, दो बातें मैंने बताई। भक्ति, भक्ति में जो रागानुगा भक्ति होती है ये स्वतः स्फुरित होती है, क्योंकि ये रागात्मिका भक्तों के अंडर में की जाती है, उनकी भक्ति भी स्वतः स्फुरित होती है और गाढ़ होती है। ठीक है ना, ये बात यहाँ पे समझाई जा रही है। तो भगवान स्वतंत्र है, भक्ति भी स्वतंत्र है, और भक्ति को करने के लिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज रीडिंग। पढ़ो, स्वयं भगवान का निर्णय है, पढ़िए पढ़ो। स्वयं भगवान का निर्णय हो कि भक्ति अन्य सब साधनों से स्वतंत्र है। ज्ञान योग वैराग्य अथवा ध्यान आदि प्रारंभ में कुछ सहायक सिद्ध हो सकते हैं, किंतु भक्ति के आचरण में उन्हें आवश्यक कभी नहीं कहा जा सकता। भाव यह है कि ज्ञान वैराग्य के बिना स्वतंत्र रूप से भी भक्ति हो सकती है। इस संदर्भ में स्कंद पुराण का एक श्लोक है जिसमें पर्वत मुनि ने एक व्यास से कहते हैं कि हे व्यास, तुझ में जो ये अहिंसादि गुण आ गए हैं कुछ भी आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि हरि भक्ति परायण भक्ति भक्त कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। यह विवेचन कहके श्रीमान महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी से कहा कि सहे सनातन, यहाँ तक मैंने तुम्हें विधि साधन भक्ति का विवरण सुनाया है, अब रागानुगा भक्ति के लक्षण सुनो। श्री धाम वृंदावन के ब्रजवासी राधा रागात्मिका भक्ति के ज्वलंत प्रतीक है। उनकी भक्ति सर्वोच्च आदर्श स्वरूप स्वस्वरूपा शुद्ध रागमयी है। यह रागात्मिका भक्ति केवल वृंदावन वासियों में
रहती है। ब्रजवासियों के अनुगमन से यह राग मार्ग भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.27 के अनुसार भक्त में भक्ति के प्रति स्वाभाविक रूप से पाई जाने वाली प्रेममयी परा विष्टता का नाम रागमयी भक्ति तथा प्रियतम में पराविष्ट सहित तृष्णा को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। इन्हें प्रत्यक्ष उदाहरण ब्रजवासी की क्रियाओं में देखते हैं। उत्तक राग का वर्णन सुनकर जो श्री कृष्ण के कृष्ण की ओर आकृष्ट हो जाते हैं वह वास्तव में अतिशय भाग्यशाली है। उस रागात्मिका भक्ति के केवल लुब्ध होकर ब्रजवासियों का अनुगत करता हुआ वह शास्त्र के विधि निषेध का अपेक्ष नहीं रखता। राग भक्ति के भक्त यहाँ एक प्रमुख लक्षण है कि रागानुगा भक्ति स्वाभाविक होती है। उनका लोलुप लोलुप शास्त्र विधि उपस्थित करने वाले विरोधियों से भी तर्क नहीं करता। भक्ति भाव की स्वाभाविक प्रकृति प्रवृत्ति भी शास्त्र पर आधारित है। इसलिए रागानुगा भक्त को केवल शास्त्रार्थ के बल से उसे नहीं त्यागना चाहिए। इस विषय में स्मरणीय है कि प्राकृतिक सहजिया जैसे नामाधारी भक्त स्वनिमित पद्धति से राधा कृष्ण का रूप धारण कर दुराचार करते हैं, ऐसे नामधारी भक्ति को राग मिथ्या है। रागानुगा भक्ति स्वाभाविक होती है। उसका लोलुप शास्त्र विधि उपस्थित करने वाले विरोधियों से भी नहीं करता। भक्ति भाव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी शास्त्र पर आधारित है। इसलिए रागानुग भक्त को केवल शास्त्रार्थ के बल से उसे नहीं त्यागना चाहिए। इस विषय में स्मरणीय है कि प्राकृतिक सहजिया जैसे नामधारी भक्त स्वनिमित पद्धति से राधा कृष्ण का रूप धारण कर दुराचार करते हैं, ऐसे नामधारी भक्ति और राग मिथ्या है। जो इनमें प्रवृत्त है वे वास्तव में नरक में गिर रहे हैं। यह रागात्मिका अथवा भक्ति का आदर्श नहीं है। प्राकृतिक सहजिया वर्ग वास्तव में छलित और अतिशय अभागा है। रागानुगा भक्ति बाह्य और अंतरंग दो प्रकार से संपादित होती है। बाह्य रूप से श्रवण कीर्तन आदि विधि नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना है और अंतर में श्री कृष्ण की सेवा में आकृष्टकारी राग का चिंतन करता है। वास्तव में तो यह सदा अपने विशिष्ट भक्ति और राग के चिंतन में ही मग्न रहता है। ऐसे भक्त राग भक्ति के विधि विधान का उल्लंघन नहीं करता। यथार्थ भक्त इन नियमों का अक्षरांश पालन करता हुआ भी सदा अपने राग में ही सेवा के चिंतन में ही रहता है। सब ब्रजवासी श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है। अतः अपने भक्ति की सफलता के लिए प्रत्येक भक्त किसी एक ब्रजवासी की अनुगति करता है। भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.294 में परामर्श है कि राग नुगा मार्ग के शुद्ध भक्तों को अपने अभीष्ट श्री कृष्ण परिकर ब्रजवासी की सेवा का नित्य स्मरण करना चाहिए। इस पद्धति से ब्रज में निवास न कर सकने पर भी अति अंत निश्चित द्वारा यह सदा ब्रजवास कर सकता है। श्री कृष्ण की रागानुगा सेवा में अनुरक्त अंतरंग भक्तों के सेवक मित्र माता पिता तथा प्रेयसी अनेक वर्ग है। तो देखिए यहाँ पे श्लोक नंबर 156 और 157 में ये जो प्रभुपाद ने भी लिखा वो है कि वाहे अंतर इहा दुई साधन बहु साधक देह करे श्रवण कीर्तन मने निज सिद्ध देह करी अभावन रात्रि दिने करे ब्रज कृष्ण रसे भवन। रागानुगा भक्ति बाह्य तथा आंतरिक इन दो विधियों से संपन्न की जा सकती है। जब उन्नत भक्त स्वरूप सिद्ध होता है तो वो बाहर से कनिष्क जैसा लगता है। मैंने बताया था ना कि जो रागात्मिका भक्त होते हैं वो एक तो बहुत रेयर होते हैं, दूसरा वो इतनी शुद्ध भक्ति करते हैं लेकिन अपने आप को कैसा मानते हैं, कनिष्क अधिकारी। उनका दो तरह से आप पहचान सकते हैं।
एक होता है बाह्य स्वरूप उनका और एक होता है आंतरिक, है ना। तो बाह्य स्वरूप में वो कैसा प्रदर्शन करते हैं कि जैसे वो कनिष्क अधिकारी है, ठीक से वो काम नहीं कर सकते, श्रवण कीर्तन नहीं कर सकते, शास्त्रीय आदेशों का पालन करते हैं वो, है ना, किंतु अपनी मूल शुद्ध स्वरूप स्थिति में मन में विशिष्ट विधि से वृंदावन के कृष्ण की सेवा करते रहते हैं। समझ आ रहा है। तो जो रागानु का भक्त होते हैं वो दो तरह से भक्ति करते हैं चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। एक तो होता है उनका बाह्य लक्षण और दूसरा होता है आंतरिक लक्षण। बाह्य लक्षण क्या होता है, वो अपने आपको कनिष्क अधिकारी की तरह देखते हैं, बिल्कुल सिंपल, और हमेशा कहते हैं मेरे से तो कुछ होता नहीं, हमारी कोई भक्ति ठीक नहीं है ना। और ऐसा नहीं कि केवल वो बोलते हैं, वो हृदय से ऐसा सोचते हैं, है ना, वो देखते हैं कि सब बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं और हम क्या करते हैं। राजेश्वरी, हमारा परसेप्शन क्या होता है? हम करते कम है या नहीं करते है, लेकिन दिखाते ज्यादा है। उल्टा होता है हमारा, है ना। हमारा जो बाह्य जो होता है वो क्योंकि काम होता है, मैंने बताया ना, एक होता काम एक होता है प्रेम। इफ यू लव समवन, इफ यू अगर आपको किसी से प्रेम होता है तो हम उसको गुप्त रखते हैं, हम उसको ज्यादा सबके सामने पब्लिकली नहीं बोलते हैं, है ना। जिनके कोई विशेष फ्रेंड होते हैं या कुछ होते हैं उनके साथ हम थोड़ा सा साझा करते हैं, अदरवाइज हम उसको गुप्त रखते हैं, जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, है ना। लेकिन जो काम होता है उसको पिक्चर बनाई जाती है, पब्लिश की जाती है ऐसा होता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। इसीलिए पहले ही बता दिया कि जो रागात्मिका भक्त होते हैं बहुत रेयर होते हैं और लक्षणों के आधार पर जाना जाता है। इन्हीं रागात्मिका भक्तों का जब कोई पद चिन्हों का अनुसरण करता है तो उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो रही है ना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बार बार ये शब्द रिपीट कर रही हूँ, रागात्मिका और रागानुगा। माता जी, एक प्रश्न है यहाँ पे। यस यस माता जी, जो मतलब जैसे हम ये बोल रहे हैं कि वो जो रागानुगा भक्त होते हैं, वो मन से, हम यहाँ पे जो लाइन लिखी है, अपने मन में विशिष्ट विधि से वृंदावन में कृष्ण की सेवा करते रहते हैं, तो क्या वो माता जी मानसिक सेवा होती है या फिर मतलब हाँ, ऐसे? तो श्रम जैसे कि जैसे हम लोग करते हैं ना, चैंटिंग करते हैं, श्रम साधना चार्ट बनाते हैं ना अपना, वो उतनी साधना तो करते हैं, लेकिन जब वो बैठते हैं पीछे तो वो भगवान के लिए ही सोचते रहते हैं। हमारे तरह इंटरनेट लगा के नहीं शुरू हो जाते हैं कि थोड़ा देख ले, बहुत भक्ति सुबह से बहुत हो गई, दुनिया में क्या हो रहा है पता ही नहीं, है ना, थोड़ा सा कुछ और भी देख ले। एंटरटेनमेंट जब तक दुनिया के बारे में नहीं होता है तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होता। वो जब मान लीजिए 16 माला कर लिए तो फिर वो सोचेंगे कि 16 और कर लें, 16 और कर लेते हैं 64 कर लें, तो 64 एक शिफ्ट में हो जा रहा है तो दूसरा शिफ्ट भी शुरू कर देते हैं, दूसरा के बाद तीसरा भी कर देते हैं। मतलब उनका राग है ना। अब आप लोगों को गुलाब जामुन दिया जाए तो 2 देने का मान लीजिए कोटा है, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा तो क्या करेंगे, बाल्टी अपनी हो जाएगी, आज भी खाएंगे कल भी खाएंगे परसों भी फ्रिज में रख देंगे, है ना। फिर राग बहुत है गुलाब जामुन से, है ना। कल प्रभुपाद का था अपीयरेंस, जो सबके यहाँ कचौड़ियां बनी होगी, तो बाकी चीजें आप दे दो किसी को भी, कचौड़ियां रख दो, 2-3 दिन खराब नहीं होंगे, हम लोग खा लेंगे, क्योंकि बहुत राग है हमारा कचौड़ी में, है ना। ऐसे ही राग, इतना ही तीव्र राग, इससे भी ज्यादा तीव्र उनका कृष्ण में होता है। तो वो भगवान के बारे में सोचना, चिंतन करना, मन से कुछ करना, है ना, फिर सोचते अरे वृंदावन में ये हो रहा होगा, बरसाने में ये हो रहा होगा, ऐसा मतलब हमेशा, या ये बुक ऐसे पढ़नी चाहिए, मेरे भागवतम इतनी हुई है तो हम इसको कैसे करेंगे, और चीजें देखते हैं कि हम अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं भक्ति में, तो अपने आप को चैनलाइज करते हैं, है ना, कि हमारा तो भौतिक जगत में भी है, बच्चे भी हैं, अच्छा ये काम हम ऐसे कर लेंगे तो ये सीख हम ऐसे कर लेंगे, फिर हम ये सेवा ऐसे कर लेंगे, है ना, फिर हम इस तरह से हम बैठ के अपना चर्चा कर सकते हैं, इस तरह 24 घंटे वो सेवा में लगा। रागात्मिका भक्त का अनुसरण कर रहा है ना, क्लियर हो रही है। वैधी भक्ति में ऐसा नहीं होता है कि वो 24 आवर चिंतन करें, वो केवल शास्त्र अनुसार सब काम करता है। तो अब हमको अपना देखिए कि हम कैसे भक्त, आज की रीडिंग हो गई, आज की चैंटिंग हो गई, आज का ये सेवा हो गया,
कोई जरा सा एक ऊपर नीचे कह दे तो मतलब अभी पारा चढ़ जाए, है ना, नहीं कर सकते ज्यादा। तो ये क्या है, ये रागों का भक्ति नहीं है, ठीक है ना। तो वैदी भक्ति में 24 आवर चिंतन नहीं रहता है, लेकिन रागानुगा भक्त में, क्योंकि वो रागात्मिका भक्त का अनुसरण कर रहा है, तो रागात्मिका भक्ति का बहुत बड़ा अनुराग रहता है, वो तो हमेशा उन्हीं में ही, उन्हीं की तरफ उनका जो एनर्जी फ्लो होती है हमेशा, तो उनका अनुसरण करने के कारण ये भी 24 आवर्स मन से चिंतन करता रहता है जब वो खाली रहता है। और कैसे प्रचार किया जाए, और हम कहाँ जा सकते हैं, और कैसे हम प्रभुपाद के मूवमेंट को बढ़ा सकते हैं, है ना, कैसे हम कौन से प्रोग्राम्स करें कि और लोग आकर्षित हों, हम कैसे अपनी भक्ति को सुधार सकते हैं, उसका दिन भर ये सब मनन चिंतन होता है। फिर उसके बाद आप देखिए, कोई भी कार्य होता है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि मन में वो सोच रहे, फिर कोई भी कार्य जब होता है तो सबसे पहले मन में उदित होता है, मन में उसकी पूरी प्लानिंग होती है, फिर बाह्य रूप से उसका प्रदर्शन होता है। क्लियर हो रहा है? इसलिए मानसिक सेवा भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में भगवान हो, है ना, ना आसानी नहीं है। रागात्मिका भक्त बहुत तीव्र अनुराग रहता है, इसलिए उनका एसोसिएशन करने पर वो रागानुगा भक्ति में ऐसा, तो दो तरह से होता है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य रूप से वो बिल्कुल कुछ नहीं दिखाता, लेकिन अंदर से वो भगवान से प्रेम करता है, तीव्र अनुराग रखते प्रेम करता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, जो प्रेम होता है वो दिखाया नहीं जाता, प्रेम दिखाया नहीं जाता। भक्तों को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो मान लीजिए प्रेसिडेंट है, उनको पता है कि सुबह मंगला आरती उनको अटेंड करनी है, तो 4:15 बजे तक उनको मंदिर पहुंचना है ना, तो यानी 4:15 के पहले उनकी माला और रीडिंग हो जाती है, तो वो 2 बजे उठते हैं और 2:30 बजे से अपनी माला करते हैं, 5:30 तक करने के बाद 4:15 बजे मंदिर पहुंच जाता है। अनुराग का फर्क हो रहा है ना, देखिए राग का फर्क हो रहा है ना, उनकी जिम्मेवारी है तो वो क्या कर रहे हैं, वो 2:30 बजे उठ रहे हैं, है ना। तो जो भगवान से प्रेम करते हैं उनका अगर हम संग करते हैं, रागात्मिका भक्तों का, अब आप नंद बाबा का अनुराग कस करेंगे, सोच के देखिए, नंद बाबा यशोदा मैया में जो अनुराग है, उस अनुराग का हम लोग अगर अनुसरण करेंगे रागात्मिका भक्त, तो हमारे अंदर कितना अनुराग रहेगा, होगा ना राग, बहुत अनुराग है। तो इस तरह से यही बात यहाँ पे कही जाए, तो रागानुगा भक्त के दो लक्षण होते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर स्कंद पुराण से भी श्लोक दिया है, पर्वत मुनि और व्याध का, है ना। अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई बहुत बड़ा, देखिए मृगारी था, है ना, एक तो था कि जानवरों को मार देना, तो मारता नहीं था उनको, आधा उनका गला रेत कर छोड़ देता था, जब वो तड़पते थे ना मृत्यु के लिए, तो वो देख कर उसको बहुत अच्छा लगता था। सोचिए ऐसा 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 कोई होता है, मार दो उसको, जान से मार दो। जैसे अभी अभी पहले क्या होता, चलो भाई रेप हुआ, नहीं, अभी रेप तो करते ही करते हैं, ब्रूटल रेप करते हैं, उसके बाद शरीर के अंगों के साथ दुर्व्यवहार कर, उसके बाद उस व्यक्ति को जान से भी मार दे, ब्रूटल अवस्था चल रही है, समझ रहे हैं, है ना। तो मृगारी ऐसा व्यक्ति, लेकिन जब नारद मुनि का संग किया तो उसके अंदर जब भक्ति करने लगा तो कैसा हो गया कि वो एक चींटी से भी बच के चल रहा था, है ना। तो रागात्मिका भक्त, नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके एसोसिएशन में मिगारी जैसे लोग भी अहिंसावादी हो जाते, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं। क्लियर हुआ? यस माता जी, जैसे हम सभी रूपानुग है ना, तो रागात्मिका भक्त हमारे कौन है, के विषय कौन है, हमारे रूप गोस्वामी, क्योंकि रूप गोस्वामी ने ललिता सखी का आश्रय लिया है, तो ललिता सखी कहाँ रहती है, गोलोक धाम में श्रीमती राधा और कृष्ण की सेवा करते हैं। तो हम कहाँ जाने वाले हैं, वही कहीं चले जाएंगे, अपना स्वरूप होगा कहीं और। क्लियर हो रहा है? तो ये रास्ता हमने बनाया है ना, ये आचार्यों ने बना के दिया है, उनको पता है कैसे कहाँ जाना।
जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वैसे अपने गुरु के प्रति सम्मान बढ़ता जाता है ना। जैसे श्री प्रभुपाद से पूछा गया कि श्री प्रभुपाद ये मतलब जो आपने कहा कि ये जो जैसे कि हमारे ईसा मसीह हैं या हमारे जो अल्लाह हैं उनके जो क्या नाम है हजरत हजरत मोहम्मद साहब जो हैं पैगंबर हैं, मतलब उस तरह से आप हैं कि आपको भगवान ने प्रेरणा दी और आप सब भी सब भागवतम और ये सब साहित्य लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने बताया फिर आप कैसे हैं। तो उन्होंने बताया कि मुझे भगवान ने प्रेरणा नहीं दी है, भगवान ने लिखाया है खुद से। अंतर समझ में आ रहा है? भगवान ने स्वयं डिक्टेट किया है और मैं लिखे हैं। जैसे सार्वभौम प्रभु कह रहे थे कि जैसे गणेश जी को व्यास व्यास देव ने डिक्टेट किया था सामने प्रत्यक्ष, तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद को श्रीमद् भागवतम डिक्टेट किया है भगवान, स्वयं भगवान ने। तो मतलब वो कितने अंतरंग शिष्य होंगे। क्लियर हो रहा ना? तो अंतर है, रागात्मिका भक्तों में अंतर होता है। रागात्मिका भक्त डायरेक्ट एसोसिएट होता है ना, और अलग अलग रसों में होते हैं, जीव के रस के हिसाब से। कोई भगवान को साखे रस में प्रेम करता है, कोई वात्सल्य रस में प्रेम करता है, कोई माधुर्य रस में करता है, कोई स्वकीय भाव में प्रेम करता है, कोई परकीय भाव में भगवान को प्रेम करता है। तो भगवान उसी के हिसाब से रागात्मिका भक्तों का अनुसरण करने पर वो उनके अंदर राग डेवलप हो जाता है, और ये दो प्रकार से पता चलता है। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चाहिए तन्मल पुसने कार रज लोकानुसार। रागानुगा भक्ति की ओर उन्मत्त भक्त को वृंदावन में कृष्ण के पार्षद विषय के कार्यों का अनुगमन करना होता है। उसे बाहर से वैदिक भक्ति की तरह भक्ति करने के साथ साथ अपनी स्वरूप सिद्धि अवस्था में अंदर ही अंदर सेवा करनी चाहिए। इस तरह से उसे बाहर तथा भीतर दोनों रूप से भक्ति करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु वॉन करते हैं, क्या वॉन करना है कि आप अंदर से भगवान में अनुराग रखिए और बाहर लोक व्यवहार कीजिए। यही गृहस्थों को भी बोला था, बाहर से आप पूरा लोक व्यवहार कीजिए लेकिन अंदर अनुराग आपको भगवान से ही रखना। ऐसे ही रागानुगा भक्ति में इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा आप लोगों को? आप वही भक्ति करने जा रहे हैं लेकिन उसके बारे में आप लोगों को कुछ पता नहीं है। तो पहले अभी हम कहाँ पे हैं? वैदिक भक्ति पे। और हमारी भक्ति कैसी है? प्योर वैदिक भक्ति नहीं, हमारी वैदिक भक्ति रागानुगा से रागात्मिका भक्ति तक जाने वाली। हम प्योर नियम का पालन नहीं करते, हम एक नीति नियम का पालन करते कि अपने आप को अनुशासित करें। फिर हम श्रवण करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमें 1 घंटा ही श्रवण करना है, हम देखते हैं कि हमारी भक्ति कहाँ तक बढ़ेगी। तो हम 3 घंटा भी कभी कभी श्रवण करते हैं, कभी कभी कोई बढ़िया क्लास होती है तो पूरा दिन सेमिनार होता है, 6 6 दिन का होता है, 4 4 दिन का होता है ना। तो उससे भक्ति डेवलप हो रही है। तो कहने का मतलब ये है पर्पस के हिसाब से हम कार्य कर, नीति नियम नहीं होता, सोलह माला ही करना, तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे बता रहे हैं, आगे चल के बता रहे हैं 159 श्लोका। निजाभीष्ट कृष्ण प्रेम पाछे ते लागिया निरंतर सेवा करे अंतर मन होय। तो कृष्ण को वृंदावन वासी अत्यंत प्रिय है, यदि कोई रागानुगा भक्ति करना चाहता है तो उसे वृंदावन वासियों का अनुसरण करना चाहिए और अपने मन में निरंतर कृष्ण की सेवा। चैतन्य महाप्रभु, तो हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग इस्कॉन में क्या कर रहे हैं? हम लोग भी वही कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। हम लोग सब कौन? रूप गोस्वामी को फॉलो कर रहे हैं, रूप गोस्वामी ललिता सखी को, ललिता सखी राधा रानी, राधा कृष्ण। कृष्ण स्मरण जन तास्य चेष्ट तास्य प्रेष्ट निज समीहितम तत्व कथा रत सो पुरिया दास ब्रजे सदा। तो भक्ति रसामे सिंधु में प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया भी था 1294। भक्त को चाहिए कि वो अपने अंतर में सदैव कृष्ण का चिंतन करे, अंदर से किसका चिंतन करे, कृष्ण का और ऐसे प्रिय भक्त को चुने जो वृंदावन में कृष्ण का सेवक हो। जो मैंने अभी आपको बताया वो श्लोक में है,
उसे उस सेवक की कथाओं के विषय में, कृष्ण के साथ उसके प्रेम में संबंध के विषय में सदैव चिंता करनी चाहिए और उसे वृंदावन में निवास करना चाहिए। यदि कोई शरीर से वृंदावन में नहीं रह सकता, उसे मानसिक रूप से वहां रहना चाहिए। जैसे हम सब हमेशा वृंदावन नहीं जा पा रहे, तो एटलीस्ट अभी तो कितना सुंदर है कि नेट पर आता है रोज मंगला आरती, है ना, उसको हम देख सकते हैं जब समय हो, हम रोज देखें तो क्या है, हम धाम का एसोसिएशन कर रहे हैं। तो इस तरह से, या तो कोई ऐसे भक्त हो जिनके से हम बात करें जो कि रोज वृंदावन को अटेंड करते हैं, तो हम क्या रहे हैं, हम उनका अनुसरण कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो बताते, उक्त राग का वर्णन सुनकर कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाता है। राग भक्ति के भक्त को एक प्रमुख लक्षण होता है कि वो भक्त स्वभाव की होता है। अभी उसको शासन की जरूरत नहीं है कि अभी अभी वो घंटी अलार्म बजेगी, सब भक्त लोग उठेंगे तो हमको भी 4 बजे उठना है। नहीं, अलार्म बजेगा ही नहीं, बजेगा वो खुद ही उठता है, उसको कोई देखता है नहीं देखता है कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वो निश्चित भगवान के प्रति सभी नियम को पालन करता है, क्योंकि जप करना, भगवान के प्रति सुनना, वो राग उत्पन्न करता है उसे। माता जी क्लियर हो रहा है? हाँ माता जी, या भी ये बताइए, तो रागानुगा भक्ति स्वाभाविक ही होती है, उसमें शास्त्र से विरोध तर्क नहीं किया जाता है ना। भक्ति भाव की स्वाभाविक प्रति में शास्त्र आधारित होती है। रागानुगा भक्तों के बल शास्त्र के बल पर से त्यागना नहीं चाहिए। इस विषय में स्मरणीय कि प्राकृत सहजिया जैसे नामधारी भक्त स्वतः निर्मित पद्धति से राधा कृष्ण का रूप धारण कर दुराचार करते हैं। मैंने अभी यही बताया था, है ना, भक्त भी शास्त्र का नियम पालन नहीं करता है, लेकिन अगर वो जो भी करता है वो पर्पस उसका जरूर सॉल्व होता है। कृष्ण भक्ति ऐसा नहीं कि प्रकृति सहजिया की तरह वो भक्ति करता है और कुछ भी पालन नहीं होता। अंतर समझ में आ रहा है? ये मनमाना प्रकृति सहजिया लोग तो मनमाना करते हैं ना, कि क्या 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 मनमाना, तो प्राकृतिक सहजिया लोग क्या थे, जितने अप सिद्धांती होते हैं वो क्या करते हैं, खूब गौर निताई का, खूब राग के साथ खूब कीर्तन करते हुए परिक्रमा करते हैं गिरिराज जी का, और फिर क्या कहते हैं, कृष्ण हमारा सखा है, वो गोपियों के साथ रास कर सकता है तो हम भी उसके सखा है, तो हम भी गोपियों के साथ रास कर सकते हैं। तो क्या है, गांव की जितनी लड़कियां हैं एक एक करके हमारे पास आएंगी, हम उनके साथ रास करेंगे, जब हम भोग लगा लेंगे तब उसके बाद उसका पति उसको भोग लगा। तो ये सब क्या है, समझ रहे हैं? ये समझिए। हाँ सहजिया है, वो नियम को उल्लंघन करते हैं ताकि वो काम को भोग सके, लेकिन भक्त नियम का उल्लंघन करके कृष्ण प्रेम, गोपियां क्या कहती हैं कि आप जितनी चाहिए हमारे चरण धुने ले लीजिए, वो ये नहीं कह रही कि फिर डिनाई नहीं करी, वो कह रही है कि हमको नरक में जाना पड़ेगा कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण का सरदर्द ठीक होना चाहिए, इसमें वो अहंकार नहीं कर रही है, तो वो स्वतः नियम पालन करती है ना, स्वतः नियम पालन करते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक सहजिया लोग होते हैं वो कोई नियम पालन नहीं करते, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति को एक वे दे देते हैं, अलग अलग नाम देंगे। आप लोगों ने पता नहीं बुक पढ़ी है महात्मा गांधी के बारे में कि नहीं, कि महात्मा गांधी जो थे ब्रह्मचर्य जीवन को पालन करते थे, है ना, तो उन्होंने एग्री किया भारत पाकिस्तान अलग, भारत पाकिस्तान जब अलग हो रहा था आप सोचते होंगे कितनी दुर्दय स्थिति थी, है ना, स्त्रियों के साथ लोगों के साथ कैसे बलात्कार सामूहिक होता है। उस परिस्थिति में वो क्या करते थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ब्रह्मचर्य एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट, 14-15 साल की लड़कियों के साथ वो नग्न सोते थे रात, और ये देखते थे कि हमारे अंदर काम उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। मेरे प्रिय महात्मा गांधी ये एक्सपेरिमेंट कर, पूरी दुनिया जल रही है, मतलब नहीं, वो 15-16 साल की लड़कियों के साथ नग्न सोना चाहते थे और ये देखते थे कि उनके अंदर कोई कामुकता उत्पन्न हो रही है।
द्रौपदी ने बहुत से लेटर महात्मा गांधी को लिखे थे कि आपने राम राज्य का सपना देखा था, मैं विदेश में हूं, प्रचार हो रहा है, हम दोनों मिलकर राम राज्य की स्थापना भारत में करते हैं। ऐसे बहुत से लेटर लिखे, उनको वॉर्न भी किया था श्री प्रभुपाद ने, आप राजनीति में जो है रह रहे हैं, एक दिन आपको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक महात्मा गांधी ने एक लेटर का भी कभी जवाब नहीं दिया। तो देर इज डिफरेंस बिटवीन प्राकृतिक सहजिया एंड रागानुगा भक्त, दोनों नियम का पालन नहीं करते, लेकिन एक नियम पालन नहीं करके भी उच्च नियम का पालन कर रहे हो, कृष्ण की प्रसन्नता, लेकिन दूसरे अपनी प्रसन्नता, इंद्र तृप्ति कर रहे हो। तो ये जो सहजियाज होते हैं ये दुराचारी होते हैं, ये रागानुगा रागानुगा भक्त नहीं होते। लेकिन इस भौतिक जगत में जब आप भक्ति करेंगे, आप देखेंगे बहुत साधारणता ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन भक्ति के नाम पर केवल इंद्रिय तृप्ति कर, किसी भी पोस्ट पर बैठे हुए हैं और उसमें किसी की एंट्री नहीं है, केवल उनके और उनके परिवार के लोग ही वो काम करें, बाकी कोई नहीं करें। क्यों? उनको नहीं लगता कि कोई योग्य है, उनसे ज्यादा कोई योग्य है ऐसा उनको लगता नहीं। तो भगवत गीता का जो श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को कैसे देख के रख रखना है। बोलो केशवरी। गुणों के हिसाब से माता जी। गुणों के हिसाब से, गुणों के हिसाब से रखने पर वो एरिया अपने आप अच्छी रहेगी, उसमें ईमानदारी भी रहेगी, भगवान की भक्ति भी रहेगी, सब कुछ रहेगा, क्योंकि वो उस लक्षण से युक्त व्यक्ति है। ब्राह्मण लक्षण से अगर कोई व्यक्ति युक्त है, वो ब्राह्मण बने तो क्या होगा, करप्शन होगा? कभी नहीं होगा। कोई व्यक्ति के अंदर क्षत्रिय गुण है, भगवान की तरफ से उसको क्षत्रिय गुण मिला है, तो वो करप्शन करेगा? वो जाके जो अपनी गुप्त फाइलें हैं वो पाकिस्तान को दे के आएगा, हिंदुस्तान का नहीं, कोई, क्योंकि उसमें गुण है। तो क्या करेगा, ऐसे कार्य करेगा जो देश की सुरक्षा के लिए, है ना? क्लियर हो रहा? मतलब जब ये चीजें गुण पर नहीं आधारित रहती हैं, जब अपने उस पर जात पर आधारित हो जाती हैं, तो वहां करप्शन आएगा ना। अब ब्राह्मण का बेटा है, उसके अंदर शूद्र वाले लक्षण है, लेकिन क्योंकि ब्राह्मण का बेटा है इसलिए उसको भी वही पोस्ट मिलनी चाहिए ब्राह्मण जैसा, तो क्या करेगा वो वहां जाके? अब ब्राह्मण के गुण तो है नहीं, कौन से गुण है? शूद्र के। तो वो वहां पे जाके क्या करेगा? पैसा लेगा पैसा लेने वाले सारे काम करेगा और अपनी इंद्रिय तृप्ति सबसे पहले देखेगा, है ना? करप्शन करना शुरू कर देगा, शोषण करना शुरू कर देगा। ये सब चीजें हमें समझना चाहिए, ये सब शास्त्र में बताया, और हमें एक तरह से समझ लीजिए वॉर्न भी कर रहे हैं कि रागात्मिका भक्त बहुत रेयर होते हैं, है ना? तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट से जुड़े, और प्रभुपाद ने जो हमें परंपरा दी है उसमें सभी जो आचार्य हैं वो रागात्मिका भक्त हैं। अब उनकी लाइफ हिस्ट्री देख सकते, राजेश्वरी भक्ति विनोद ठाकुर, जी है ना? कोई भी भक्त के ऊपर एक काला दाग है किसी नहीं के पास? हमारे जो षड गोस्वामी है, हमारे जो आचार्य लोग हैं, आप देखिए प्रभुपाद हैं, एक भी ब्लैक स्पार्क किसी ने कहा है? तो कहने का मतलब ये होता है क्योंकि ये रागात्मिक भक्त है, ये लोग भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो हम लोग कितने भाग्यवान है कि एक या इतने इस परंपरा से हम बिलोंग करते हैं, और अंदर से भी हम भगवान के ही भक्त हैं, लेकिन हम भूल गए। तो हमको वापस अपनी ये पोजीशन प्राप्त करनी है, क्योंकि समय के साथ साथ क्या होगा, बाकी दम निकल जाएगा, बस हरे कृष्णा रह जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं ना, दम मारो दम, हरे कृष्णा हरे राम मूवी, प्रभुपाद कहते थे ये दम निकल जाएगा, ये हरे कृष्णा रह जाएगा, और यही हुआ। 2-3 सालों में पिक्चर का जो रंग है वो उतर गया, दम मारो दम हरे कृष्णा हरे राम रह गया, और लोग उससे प्रभावित हो रहे। उसी तरह से जो सांसारिक जो हमारा जो है, शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये करना, धन कमाना, ये सब चला जाएगा। अगर आपने कृष्ण से अनुराग कर लिया तो इस आपको पता है कि सब कुछ छूटेगा, तो आपको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि इससे उच्चतर
जीवन आपका वेट कर रहा है। आपने कथा सुनी है वो राजा वाली, थोड़े समय के लिए राजा बनाते थे 4 साल के लिए, फिर उसको फिर क्या जंगल में छोड़ देते थे मरने के लिए, है ना। उस एक जो विवेकी ने क्या किया, जंगल में भी अब बढ़िया सारा व्यवस्था कर दी, और फिर जब उसको ले जाएगा तो आराम से जाके अपना महल में अच्छे से रहे। तो हमारे साथ भी, हम अगर कृष्ण के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं तो जब हमारे जाने का समय आएगा, सब कुछ छोड़ने का समय आएगा, तो हमें पता है कि उस ये सब बेकार है, हमारा रियल घर तो इससे भी सुंदर है। तो हमको खुशी होगी कि ना जाते समय कि हम जल्दी से जाए यहाँ से छूट के, तो भगवान की सेवा करें। तो दास सखा पितरादि प्रेसी गण राग मार्गे निजे निजे भावे रगण। तो कृष्ण भक्त अनेक प्रकार के होते हैं, दास से होते हैं, कुछ लोग मित्र होते हैं, कुछ लोग माता पिता की तरह होते हैं, कुछ प्रेयसी होते हैं, कुछ राग वृत्ति में होते हैं, ये सब राग मार्ग में ही आते हैं। तो यहाँ पे भागवतम का भी श्लोक है, आगे चलिए बराबर आगे। प्राकृत सदिया का संबंध में आ गया। फिर भक्ति रसा में सिंधु का परम रागनों का शुद्ध भक्त अभीष्ट कृष्ण को ब्रजवासी की सेवा नित्य स्मरण करना चाहिए, है ना। जो ब्रज में राग जानते हैं, मित्र होते हैं, मैंने यही बताया ना, भगवान के मित्र होते हैं, सखा होते हैं, उनका अनुगमन करना, उनको रागानुगा भक्ति कहते हैं। हाँ यस गोलकेश्वरी, माता जी, मैं ये पूछना चाहती कि प्रभुपाद का कौन सा होता है, जैसे हम कहते हैं 5 रस हैं हमारे, तो प्रभुपाद किस रस में थे माता जी, ठीक से पता कैसे? नहीं है, आचार्यों से पूछना पड़ेगा एग्जैक्टली। लेकिन द्रौपद शायद शाक्य रस में या वात्सल्य में, पता नहीं, मुझे नहीं पता। माधुरी रस में भी हो सकते हैं द्रौपद, जिस तरह से प्रेम करते हैं, तो वो किसी आचार्य से मुझे कंफर्म करके बताना, वैसे बताना ठीक। तो फिर इसी से रिलेटेड जो ये बात चैतन्य महाप्रभु ने की, उसको शास्त्र के साथ प्रमाणित कर रहे, तो ये चीज हमें भी सीखनी है। हम किसी को भी प्रीचिंग करते हैं या अपने आप को प्रीच करते हैं, तो बातें बताने बताए हैं उसको शास्त्र के अनुसार अनुमोदित करना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये बातें बताई रागानुगा भक्ति के बारे में, यही बात श्रीमद् भागवतम में कपिल मुनि जो है अपनी माता देवहूति को बताते हैं, 325:38 में। न गहर्चित या पराम शांति रूपे नश्यन्ति तो मे नित्य मुक्त लेडी हेतः येषा अहम् प्रिय आत्मा सुतस्य सखा गुरु हृदयो दैवमिष्टम्, है ना, दैवमिष्टम्। तो हे माता देवती, हे शांति की प्रतीक, मेरा कालचक्र रूपी शस्त्र उन लोगों का विनाश नहीं करता जिन्हें मैं अत्यंत प्रिय हूँ, जिनके लिए मैं परमात्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, हितैषी, देव तथा इच्छित लक्ष्य हूँ। क्योंकि भक्तगण सदैव मुझ में अनुरक्त रहते हैं, अतः वे काल के दूत द्वारा कभी नष्ट नहीं होते। मत परा, यानी जो भगवान की अनुरक्ति में रहते हैं, है ना, भगवान को इष्ट मानते हैं, काल के चक्र में उनका नाश नहीं होता। जैसे क्या आप लोग बर्थडे मनाते हैं अपने प्रियजनों का? कौन कौन मनाते हैं बर्थडे अपने बच्चों का, ये किसी का मनाते हैं ना? तो जो जीवित है उनका मनाते हैं कि जो मृत्यु जिनकी हो चुकी है उनका मनाते हैं? यस पद्मा माता जी, जीवित जीवित का माता जी, जीवित का, है। अच्छा बोलो केशरी, आप जीवित का माता जी, राजेश्वरी, जीवित का मना, जीवित कई मनाते हैं ना, कि जो लोग जीवित हैं उनका हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब मर जाते हैं तो करते हैं हम नहीं, है ना। उसी तरह भगवान कब आए थे? 5,000 साल पहले आए थे, है ना, लेकिन उनका जन्म हम आज भी हमेशा आज भी सेलिब्रेट। सेलिब्रेट करते हैं। तो एक्चुअली में जन्म अष्टमी नहीं होना चाहिए, जन्माष्टमी नहीं होना चाहिए, प्रकट अष्टमी होना चाहिए। जन्माष्टमी इज नॉट द राइट वर्ड, प्रकटाष्टमी होना चाहिए भगवान के, है ना। लेकिन एक तरह से सही भी है, क्योंकि तो भगवान ने क्या कहा भगवद गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्य,
तो जन्म शब्द भगवान ने क्यों कहा, प्रकट शब्द क्यों नहीं कहा भगवान ने? क्योंकि जिस जगह हम जाते हैं तो ऑडियंस के हिसाब से प्रचार करना पड़ता है। अब वहां पे प्रकट वर्ड बोले हैं मृत्यु लोक में आके, तो उनको तो समझ में नहीं आएगा लोगों को प्रकट क्या होता है, या तो जन्म होता है या तो नहीं होता है ना गोलोकेश्वरी, सीधे बोलोगे भगवान या तो आप प्रकट होइए, प्रकट होकर क्या होता है, जन्म होता है या तो मृत्यु होती है, दो ही चीज होती है। तो इसलिए भगवान ने जन्म शब्द यूज, क्योंकि भौतिक जगत में जन्म होता है, लेकिन क्या भगवान का जन्म अभी नहीं होता? क्यों? क्योंकि भगवान सदैव रहते हैं शाश्वत। जयति ते दिकम जन्मना रजत ब्रज शरद इंदिरा शश्व, ब्रज की इसलिए महिमा है क्योंकि आपने जन्म लिया और आप कैसे हैं शाश्वत। इसलिए हम आज भी कृष्ण जन्माष्टमी रामनवमी मनाते हैं, है ना? जैसे भगवान जो है वो शाश्वत है, तो उनके भक्त भी सर रहते हैं, है ना? इसीलिए हम प्रभुपाद जयंती भी मनाते मनाते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आज भी श्रील प्रभुपाद शाश्वत हैं, हैं। अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने टीचिंग्स के माध्यम से, अपनी प्रेरणा के माध्यम से आज भी वो हैं। क्लियर हुआ? यही बात यहाँ पे बताई। तो कपिल मुनि ने ये बात कही कि काल के ग्रस्त से भगवान आपका नाश नहीं होता, ना आपके भक्तों का नाश। क्लियर हुआ? तो भक्ति रसावे सिंधु में चैतन्य महाप्रभु ये विशेषता बता रहे, रागात्मिक का भक्त इतने आसानी से, हम लोग बहुत चीपली किसी को भी रागात्मिक का भक्त मान लेते हैं, इतना आसान नहीं। अभी तो हम लोग वैधि भक्ति पालन कर रहे हैं, धीरे धीरे जब हम गुरुजन लोग जो रागात्मा मार्ग का अवलंबन कर रहे हैं, हम भी अगर उनका अनुसरण करेंगे तो एक दिन हम लोग भी रागानु का भक्त यानी मध्यम अधिकारी श्रेणी में शायद आ जाए, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, है ना? इसको डोंट टेक वेरी सीरियसली। तो मैं उन लोगों को बार बार नमस्कार करता हूँ जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और उत्सुकता से पति पुत्र सखा भाई के रूप में उनकी उनको प्रेम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं यदि कोई भगवान की रागानुगा भक्ति में प्रवृत्त होता है तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों के प्रति उसका स्नेह बढ़ जाए। जब विधि विधान का पालन करते करते उसमें स्वतः राग आने लगता है, अपने आप ही वो उठता है, भक्ति करता है, ऐसे लोगों का संग करता है, राग उत्पन्न रहता है, तो धीरे धीरे उसका अनुराग बढ़ेगा ना भगवान में, अनुराग बढ़ता जाता है। आगे चलिए। तो स्नेह के बीच से आसक्ति होती है, उसमें दो नाम है रति और भाव। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसी आसक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। हमें बताया कृष्ण प्रेम का बीज दो लक्षण होता है, रति और भाव। रति और भाव में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के भक्त परवश हो जाते हैं। ये दोनों प्रेम के किसी भी लक्षण से पूर्व प्रकाशित रहते हैं और सांगोपांग चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को इसके बारे में बताया। श्लोका क्या है? श्लोका ये है, प्रीते अंगिर रति भाव होय दुई नाम याता होते वश इनक्षी भगवान। तो यानी प्रेम का दो लक्षण होता है। अगर किसी को प्रेम है तो आप क्या चेक करेंगे? अति राग रहेगा भगवान में और भाव है। क्लियर हो गया? और हमने भक्ति रसावे सिंधु में देखेंगे कि भाव भक्ति के क्या क्या लक्षण बताए गए ना, लक्षण वो लक्षण होने चाहिए और तीव्र अनुराग होना चाहिए। जिस विधि से भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्ति की जाती है वो विस्तृत वर्णन अविधेय नामक भक्ति के संपन्न करने में। इस प्रकार भक्त हृदय सत्वगुण से परे विशुद्ध सत्व के अलौकिक स्तर पर स्थित हो जाता है। अब जैसे जैसे हमारी प्रगति हो रही है, रागानुगा भक्ति की तरफ जा रहे हैं, हम जो अनर्थों से मुक्त होकर विशुद्ध हो रहे हैं और अलौकिक स्तर की तरफ जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाएंगे, हम अलौकिक स्तर पर जाएंगे और अनर्थ का हमारा शमन होता जाएगा। आगे चलिए। क्या बताएं कि जिस तरह प्रेम रूपी सूर्य किरणों से हृदय को त्वरित द्रवीभूत करने की प्रक्रिया को भाव कहते हैं,
श्री रूप गोस्वामी भाव का वर्णन, भाव जीव का स्वरूप लक्षण है। दो चीज होती है ना, पढ़ा था रति और भाव, भाव के बारे में बता रहे। भाव में प्रगति का प्रेम तटस्थ लक्षण होता है, प्रेम स्वरूप लक्षण होता है, ठीक है ना। भक्ति में प्रेम तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण होता है, और भाव तटस्थ लक्षण। नारद पंचरात में भाव की डेफिनेशन दी गई है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम सगंता, भक्ति रुच्यते भीष्म प्रहलादो नारदे। ये बताया गया, क्या बताया गया, जब किसी का यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि एकमात्र विष्णु कोई के ही प्रेमास्पद एवं आराध्य हैं, अन्य कोई भी देवता भक्ति के योग्य नहीं है, वो कृष्ण के महत्वपूर्ण प्रेम का आस्वादन करने लगता है। जैसे भीष्म ने किया, प्रहलाद ने किया, नारद ने, उद्धव आदि ने निश्चित भाव को प्रेम भक्ति कह लेते हैं। क्लियर हो रहा है प्रेम भक्ति का मतलब? भक्ति का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय के साथ एक रस में भगवान की प्रेम पूर्वक, तीव्र अनुराग और आवेश पूर्वक, भाव पूर्वक भगवान की पूजा करना, ठीक है। हाँ इसके बाद तो भक्ति को जागृत करने वाले सत्कर्म जब जीव के सेवा भाव में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं तो साधु संग करता है। अब किसी को अनुराग होगा तो क्या करेगा, वो साधु संग करेगा, फिर श्रवण कीर्तन की तरफ आकर साधु संग, ना साधु संग नाम संकीर्तन, फिर भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री बूरते श्रद्धाए, सब उच्चारण शुरू देगा, श्रद्धा साधु संग है ना, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम। तो प्रेम जीवन का प्रयोजन है, लक्ष्य है, कृष्ण को प्रेम प्राप्त करना। तो भौतिक जगत में हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, है ना पद्मावती जी, इस शरीर से हम मनुष्य हाँ शरीर माता, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, और इसी भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए दिया गया है। लेकिन हम कुत्ते बिल्लियों की तरह केवल खाना पीना सोना और रहना करते, तो अगर हम ये काम करते रहेंगे और भगवान का भक्ति नहीं करेंगे तो ये शरीर हमसे छीन लिया जाएगा, और फिर हमें कुत्ते बिल्ली की तरह शरीर प्राप्त होगा। श्रद्धा होगी तो साधु संग करेंगे, फिर भजन क्रिया करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर निष्ठा होगी, फिर रुचि होगी, फिर आसक्ति होगी, भाव आसक्ति प्रेम। तो यहाँ प्रेम तक हमें पहुंचना है ना। तो भगवान की कृपा से हम लोगों ने कम से कम एक विधि का अवलंबन किया है ना, भक्ति मार्ग का। तो कम से कम श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया चल रही है ना। तब हमको क्या करना है, धीरे धीरे भजन क्रिया को तीव्र करना है ताकि हमारे अनर्थों का नाश होकर हम निष्ठा लेवल की भक्ति पर आए। आगे चलो, तदुपर आगे बढ़कर भाव भक्ति तो हो गया, बता दिया। केवल शुद्ध भक्तों के संग में ही जीव कृष्ण भागवत भक्ति में भक्ति कर सकता है। श्रद्धा से धीरे धीरे उठा जाता है भाव तक। तो भगवान भाव, चैतन्य महाप्रभु जब भाव का वर्णन कर रहे हैं तो महाप्रभु ने कहा कि वह शोभ का कारण उपस्थित होने पर भी कभी शुद्ध नहीं हो। भाव में क्या होता है, उसके पास दुखी होने का कारण है लेकिन तब भी वो दुखी नहीं होता, क्योंकि उसके पास प्रेम धन है, कृष्ण का आश्रय है, वो उन दुखों से निकल जाता है। कुछ कर्म न करने पर भी वो कृष्ण प्रीति के लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य छोड़ देता है। भगवान कृष्ण से संबंध के बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब उसका विशेष हो गया, ऐसा नहीं देवी देवताओं में वो फंसा हुआ है। रागानुगा भक्ति में क्या हो जाता है, व्यक्ति एक कृष्ण के प्रति समझ के अट्रैक्ट हो जाता है। बोलो कृष्ण, क्लियर हो रहा है? रागानुगा भक्ति में वो देवी देवताओं के पीछे नहीं जाता, उसको क्लियर यस माता जी, है ना, वो क्लियर रहता है कि व्यवसात्मिका भक्ति है ना, निर्बंध नहीं मती, ऐसे वर्ड यूज किए गए, तो वैसी भक्ति करने लगता है। और फिर वो अब रह नहीं सकता भक्तों के बिना, भक्ति के बिना रह नहीं सकता, कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है। आगे चलो,
मेरे ख्याल से आपने नया लेसन शुरू कर दिया है क्या? इसी में ही है ये सब, कृष्ण प्रेम आई थिंक। करती हूँ, एक सेकंड दादा जी। मुझे नहीं जहां पता तक मुझे पता है, नहीं माता जी, 13th ही है, अच्छा, तीन तीन ठीक 14th आगे है। मैं खोलती हूँ जहां पे थे। नहीं ठीक है, मैं समझ गई। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, एक श्रद्धा से साधु संघ से प्रेम तक जाना है, और उसका जब भाव रूप भक्ति होती है तो ये प्रेम की प्रथम अवस्था होती है, प्रेम के पहुंचने की पहले की अवस्था होती है। तो जब ये भाव हृदय में पूर्ण रूपेण कोमल बना देती है, तो भगवान के प्रति अपनत्व महान भावना संबंधित प्रगाढ़ प्रेम घनीभूत हो जाता है, और वो प्रेम कहलाता है। देखो उसमें लिखा है, अपनी प्रगति में विश्वस्त श्रद्धा पूर्वक निरंतर परलक्ष्य प्राप्ति क्लेशी रहता है, और श्री कृष्ण का संतोष उसे सदा अभिशेष करता है, कृष्ण नाम गुण के कीर्तन श्रवण में उसके सदा अविराम रुचि रहती है। राधा प्रच्युत में ये लक्षण थे, है ना? 7 दिन तक बैठे रहे, खाना खाने गए थे क्या? बगल वाले ढाबे थे, थोड़ा थोड़ा चाय पी के आ जाते हैं, फिर कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं, बोला भी गया उनको तो कहते हैं, आपसे जो मैं कथा सुन रहा हूँ ये ही प्रेम होना चाहिए। हम लोग तो सोच रहे कब क्लास खत्म हो, लंबी तो नहीं हो रही है क्लास, ऐसा सोच रहे। माँ गंगा सहित उपस्थित सब ब्राह्मण जान ले कि सब प्रकार से भगवान कृष्ण ही का मैं पूर्ण शरण लिए हूँ, और राधा परीक्षित जो है उत्तम प्रतीक है भाव, मैं प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ गंगा सहित वहां उपस्थित सब ब्राह्मण भी जान ले कि मैं कृष्ण की पूर्ण शरणागति प्राप्त किया हूँ, ब्राह्मण के श्राप से प्रेरित होकर सर चाहे मुझे उसी समय काट ले, अब मुझे कोई भय नहीं। सब कहते हैं ना, जब ऐसी भाव दशा प्रगाढ़ होती है तब भगवत प्रेम चालू, ऐसा प्रेम जीवन की चरम लक्ष्य है, और यही आनंद का आगार। आगे चलिए, इसमें बताया गया 15 में, आधो श्रद्धा तद साधु संग भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति, सा ततो निष्ठा रुचिर सत तथा तो आसक्ति ततो भाव प्रेम उद्भव जन्ति साधका नाम वयम प्रेम प्रादुर्भावे भवेत क्रमे। यानी भगवान का प्रेम जो है क्रम पूर्वक चलता है, और शुरुआत श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया ऐसे ऐसे चलता है। तो मैंने सीढ़ी बताई थी वो रहता है, ठीक है आगे चलिए। न प्रेम श्रवणादि, इसको पढ़िए तो जरा मंदिर जी। ऐसे भक्त अपने को सबसे अधम समझता है। वह केवल इसी विचार से जीवन धारण किए रहता है कि किसी न किसी दिन भगवान श्री कृष्ण कृपा करके उसे अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। पद्म पुराण में उनकी शुद्ध भक्ति का एक अन्य उदाहरण है। वह उल्लेख है कि नरेंद्र शिरोमणि होने पर भी राजा द्वार द्वार पर मधुकरी करते तथा चांडालों को भी वंदना करते थे। श्री सनातन गोस्वामी का निर्मल लिखित श्लोक उल्लेखनीय है। न प्रेमा श्रवणादि भक्ति अपि वा योगार्थ न वा वैष्णवो ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदहो सजाति यस्पति वा हीन हि हि हीनार्थ अधिक साधके त्वयि तत्पय छेद मूला सति हे गोपी जन वल्लभ यथा यते हाहा मदा शेव मम। आगे पढ़िए, इसका मतलब पढ़िए, मैं पढ़ती हूँ। हे प्रभु, न तो मुझे आपके लिए प्रेम है, न मुझे कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति की योग्यता है। यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे अभी जब परीक्षित कर दिया, फिर महाराज भरत, थोड़ा सा पढ़ देती हूँ ताकि एक सीक्वेंस बन जाए। तो जैसे मैंने बताया कि श्रद्धा से प्रेम तक जाना है, और ये क्रमबद्ध रूप से होता है ना? और कृष्ण भावना में रुचि रखने वाले भक्त के लिए
यही भगवत प्रेम क्रमिक विकास की प्रक्रिया है, यानी कृष्ण प्रेम प्राप्त करना हर साधक का लक्ष्य है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, और भी श्लोक दिए गए हैं श्रीमद् भागवतम से, और फिर बताया गया है कि भाव और भक्ति के लक्षण क्या हो। जब कृष्ण के लिए भाव रूपी बीज का अनुकरण होता है, तब मनुष्य स्वभाव से 9 प्रकार के लक्षण प्रकट करता है। कौन कौन से लक्षण आते हैं जब भाव भक्ति होती है? क्षमाशील हो जाता है, स्वयं को व्यर्थ नहीं गवान, समय को व्यर्थ नहीं आता, विरक्ति होती है, मिथ्या मान का अभाव होता है, आशा उत्सुकता, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में रुचि, भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन में अनुरक्ति, भगवान के निवास स्थलों मंदिर वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों के प्रति स्नेह, यह अनुभव अर्थात उत्कट भाव के गौण लक्षण कहलाते हैं। ये सब अनुभव उस व्यक्ति के हृदय में दृष्टिगोचर होते हैं जिसमें भगवत प्रेम अंकुरित होना शुरू हो जाता है, यानी भाव भक्ति के 9 लक्षण बताए कहते हैं। यदि किसी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम अंकुरित होता है तो भौतिक वस्तुओं से शुद्ध नहीं होता। मैंने बताया था ना कैसे पता चलता है कि किसी के अंदर प्रेम है, कि भौतिक जगत में कुछ भी हो जाए वो शुद्ध नहीं होता, इसके बाद एक क्षण भी नष्ट नहीं करता, समय का उपयोग सदैव कृष्ण भक्ति में करता है। यहाँ पे बताते हैं कि राजा भरत ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुकता से उत्तम श्लोक कहे गए, क्योंकि उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए स्तुतियां की जाती है। राजा भरत ने अपनी युवावस्था में आकर्षक पत्नी पुत्र मित्रों को छोड़ दिया, और किस तरह छोड़ दिया, जैसे मल त्याग कर देने पर लोग छोड़ देते हैं, वैसे उन्होंने विश्व का जो राज्य था वो सम्राट थे, और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया भगवान कृष्ण की भक्ति करने के। सदैव भगवान घूम घूम कर भिक्षा मांगते थे और वो सबको नमस्कार करते। तो यहाँ पे लक्षण दिया गया था, ये श्लोका नहीं था, पीछे चलो। हाँ, न प्रेमा शरणादि भक्ति रपीवा योगस्तवा वैष्णव। हाँ, इसमें इसका मतलब है कि हे प्रभु, न तो मुझे आपके लिए प्रेम है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, मैंने बताया वो कभी भी बाह्य रूप से नहीं दिखाते कि भगवान की भक्ति करते हैं। समझ में आ रहा है? ये प्रभु, न तो मुझसे आपके लिए प्रेम है, न तो मुझे कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति की योग्यता है, न वैष्णव की योग्य शक्ति ज्ञान से पूर्ण कर्म भी नहीं है, मैं उच्च कुल से संबंधित भी नहीं हूँ, और मुझे कुछ मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हे गोपियों के प्रिय, मेरे हृदय में निरंतर एक अटूट आशा है, क्योंकि आप अधम से अधम पर दया करने, हीन अर्थ अधिक साधके वही तथा अपि अच्छेद मूल्य। तो मुझे आशा है, और इस आशा में मुझे पीड़ा भी होती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप अधम से अधम का धारण करते हैं तो मेरा भी जरूर करेंगे। तो समुत्कंठा होती है ना, समुत्कंठा होती है भगवान के सानिध्य प्राप्त करने के लिए प्रबाढ़ इच्छा होती है, भगवान के बिना वो रह नहीं सकता। तो कर्णामृत में भी बिल मंगल ठाकुर जो है ये बोलते हैं कि हे कृष्ण हे वंशी वादक, इसको पढ़ते हैं, त्रिभुवन अद्भुत मित्य बेही मच्चा पला च त्वम्मा आदित्य गमवा सतिम करोमि विरलम मुरली विलासी मुग्ध मुखाम्बुद मुदिमक्ष तुमिक्षिणाम ध्यान। थोड़ा सा अपने आप को जागरूक कर लीजिए, मैं जान रही हूँ काफी लंबा है ये, मैं चाह रही थी एक सेशन थोड़ा कंप्लीट हो जाए, नहीं तो फिर वो भूल जाते हैं हम, क्योंकि कल के बाद फिर 1 हफ्ता होगा इसलिए। तो हे कृष्णा हे वंशी बदक, आपके जो शेषों की माधुरी तीनों लोक में अद्भुत है, मैं आपकी चपलता जानता हूँ और आप मेरी, मुझे अन्य कोई नहीं जानता, मैं किसी एकांत दास में आपका सुंदर आकर्षक मुख देखना चाहता हूँ, किंतु ये सब कैसे होगा? तो फिर आगे भक्ति रसामृत सिंधु में भी इससे श्लोक है, रोदन बिंदु मरकत्स्यादि दृक् इंद्रावर अद्य गोविंदा तबमात मधुर स्वर कंठी गायत्री नाम अवनिम्ब बाला। हे गोविंद, यह युवती जिसका नाम राधिका है, मधुर स्वर में आपके पवित्र नाम का गान करती हुई निरंतर अश्रु बहाती रहती, मानो फूलों से मधु जो गिरा जा रहा। ये तेरसा में सिंधु में वर्णन है कि प्रेम में, प्रेम की भी जो उच्च अवस्था होती है, श्रीमती राधा रानी ये सब लक्षण प्रकट करती है।
तो हम लोग सोचते हैं कि प्रेम के बाद लास्ट अवस्था होती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रेम के बाद प्रवेश मिलता है। यहाँ पे उच्च अवस्था है ना, लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रेम होने पर तो एंट्री मिलने वाली है। क्लियर हो रहा है? इस भाव दशा में भक्त, आप देखिए भक्ति कितना सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक है, लोग इसको छोड़कर कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के उपदेश सनातन गोस्वामी को, है ना? और हम अपना जीवन कहाँ फालतू जगहों में बिता रहे हैं, कहाँ जाना है हमको, कितना कठिन डगर है, वैधि भक्ति तो हो नहीं रही है, भाव दशा तक जाना है और हम कहाँ बैठे हुए, है ना? इस भाव दशा में भक्त भगवान के त्रिगुणों का कीर्तन करता है और करने की प्रवृत्ति जाग उठती है, इसे विधि आसक्ति हो जाती है। प्रभु कृष्ण का दिव्य शरीर मधुर है, उनका मुख तो उनके शरीर से भी अधिक मधुर है, किंतु मधु की गंध के समान उनके मुख की मृदु हंसी और भी मधुर, कृष्ण का नाम में बताया गया। इस बात भक्ति रसामी सिंधु में भी श्लोकम है, कदाहम यमुना तीरे नामानी तव कीर्तयन। अभी जन्माष्टमी बीती है ना, थोड़ा सुन लीजिए कृष्ण के बारे में। है ना? उदास पुंडरीकाक्ष रक्षे श्यामी तांडव। क्या बता रहे हैं भक्ति रसामी सिंधु में 1:2, 1:5, 6 के, हे पुंडरीकाक्ष भगवान, कब मैं अपनी आंखों से आंसू भरकर यमुना के तट पर आपके नाम का कीर्तन करते हुए भाव में नृत्य प्रस्तुत, कब मेरे अंदर ये सब हो। इसके बाद और भी वर्णन है कि जिस व्यक्ति ने कृष्ण के लिए आकर्षण उत्पन्न कर लिया है, ये उसके लक्षण है। अब मुझे उस व्यक्ति के लक्षण बताने दो जिसने सचमुच कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लिया है। इसलिए सनातन गोस्वामी इससे सुन, अभी भगवान के किसके बारे में बता रहे, चैतन्य महाप्रभु को भाव भक्ति के लक्षण, है ना? ये सब भाव भक्ति चढ़े समुत्कंठा अकाल व्यक्तम काल को भगवान में तीन अनुराग, ये सब भाव भक्ति के लक्षण। नेक्स्ट पेज, तो भाव भक्ति के बारे में पूरा नॉलेज सनातन गोस्वामी को दे दिया। धन्य स्थान नव प्रेमा यत्मोन्मलिति चेतसी अन्य वर्णा विर्यस्य मुद्रा सृष्टि च दुर्गमा। जिस महापुरुष के हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो चुका है, उसके कार्यों तथा लक्षणों को बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं समझ सकता। कृष्ण प्रेम किसके अंदर है ये जानना बहुत ही मुश्किल है। श्रीमद् भागवतम में 11:2:40 में ये बताया गया है कि जब मनुष्य वास्तव में उन्नत होता है तो अपने प्रिय भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में आनंद का अनुभव करता है। तब वो शोभित होकर उच्च स्वर में भगवान का कीर्तन करता है, वो बाहरी लोक मर्यादा की कोई भी परवाह नहीं करता। महाभाव अवस्था, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी उत्तेजित होता है, कभी करता है। ये प्रेम के लक्षण। इस तरह भगवत प्रेम बढ़ता है। अब प्रेम के बाद कौन कौन सी अवस्था आती है, इसके बाद यहीं तक है माता जी, इसके बाद भी है? गुरुकेश्वर ठीक है, तो भगवान यहाँ पे प्रेम का लक्षण शुरू किए हैं, यानी भाव भक्ति बता रहे हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में भगवान कृष्ण तथा भक्तों में प्रेम आस्वादन कैसे करते हैं ये भी बताएं। तो हमने बताया था कि लोग सोचते हैं कि प्रेम तक ही सब कुछ होता है, लेकिन नहीं, प्रेम के आगे भी स्टेजेस होती हैं, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव के रूप में, और ये सारे लक्षण श्रीमती राधा रानी में पूर्ण रूप से पाए। जैसे बताया जाता है, एग्जाम्पल देता है, जैसे कि गन्ना होता है तो गन्ने का पौधा होता है, फिर गन्ने का रस होता है, गुड़ होता है, खांड होती है, फिर चीनी बनती है, फिर मिश्री बनती है, फिर शुद्ध मिश्री होती है। ये सब गन्ने के रस के ही रूप है, लेकिन और ज्यादा कंडेंस अवस्था में। उसी तरह से भगवान का प्रेम एक वैधि व्यक्ति करने वाला भी कर रहा है, रागानुगा भी भक्ति कर रहा है,
रागात्मिका भक्त भी कह रहा है, लेकिन गाढ़ता में स्नेह और श्रद्धा में अंतर पता चलता है। तो आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम समझ में आ गया? कृष्ण प्रेम का स्वरूप लक्षण भी बता दिया, तत्व लक्षण भी बता दिया। अब वो भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे प्रेम करते हैं, है ना? कितना अच्छा विषय बताते हैं। हंसना तो चाहिए, मुंह पे स्माइल तो होनी ही चाहिए, इतना सुंदर प्रसंग। हाँ, तो इस तरह से हम भगवान के जो भक्ति की विधि है वो देख रहे हैं। तो भक्ति की विधि क्या थी? तो कौन कौन सी? वैधि और वैधि और रागात्मक रागानुगा भक्ति। फिर हमने देखा रागानुगा भक्ति समझने के लिए पहले रागात्मिका भक्ति समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रागानुगा भक्त रागात्मिका भक्तों का एसोसिएशन करता है। तो रागानुगा भक्त ऑलरेडी उसने मान महा भाव अवस्था में हो सकता है, मतलब प्रेम के आगे ही होने वाला है ना। तो उनका अनुसरण करके एटलीस्ट हम इस मनुष्य शरीर में भाव और प्रेम तक पहुंच सकते हैं ना, जो कि इस शरीर का लक्ष्य है, बाकी उन्हें नहीं कर सकते। इसलिए इसको डिटेल में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया और बताया ये क्रम से होता है। कैसे होता है? श्रद्धा, श्रद्धा से शुरू होके प्रेम तक जाता है, श्रद्धा साधु संत। तो इन प्रोसेस में क्या चीज बढ़ती है श्रद्धा से प्रेम तक में? माता जी, हमारा जो राग होता है अः नहीं, हमारी श्रद्धा बढ़ती है, ये श्रद्धा बढ़ती चली जाती है। यही श्रद्धा एक कनिष्ठ अधिकारी की रहती है, वही श्रद्धा मध्यम अधिकारी की रहती है, वही श्रद्धा उत्तम अधिकारी की रहती है, लेकिन सब में अंतर होता है। हम लोग कोई परिस्थिति विशेष विकसित हो जाते हैं ना, क्या होगा, है ना? लेकिन जो गुरु लोग होते हैं, कुछ भूकंप आगे उलट जाए दुनिया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हमें सब चीजों को समझना होगा, समझ के फिर भक्ति करनी होगी। और फिर भी लोग क्या कहते हैं, भक्ति सेंटिमेंट का। थैंक यू श्री कृपा जी, आप सभी गौर भक्तिविंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हाँ।